थर्ड ऑपरेशन जो हम कर रहे थे लास्ट, और ये इसका सर्वर है हमारे पास जिसमें हमने फ्रंट एंड को भी उसी सर्वर पे ही होस्ट किया हुआ है, और अभी हम इसको PWA में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। PWA हम देख चुके हैं कि क्या चीज़ होती है, तो मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ PWA बिल्डर। सही है, PWA बिल्डर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है PWA बिल्डर। सही है, पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता था कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना, अभी इन्होंने वो हटा दिया है। गिटहब इन्होंने हटा दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आके हमने जो हमारा ये होस्ट हुआ हुआ जो भी ऐप है ना, उसका यहाँ पे आके मैं नाम लिखता हूँ। हमारे पास अभी ये किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट 5001 पे चल रहा है, तो मैं इसको लोकल होस्ट 5001 को, अच्छा ये लोकल होस्ट वाला पे काम नहीं करेगा, तो लास्ट इसको हमने वैसे इधर लगाया हुआ था ना, एक अलग से रिपोजिटरी बनाई थी हमने गूगल पे, और उधर इसको हमने पूरा पेस्ट किया था। राइट, उसका रिपोजिटरी का नाम क्या था किसी को याद है? असल में इसको मुझे साइक्लिक पर डिप्लॉय करने के लिए ना एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी जिसमें इसको मुझे पुट करना पड़ेगा। API इंटीग्रेशन एग्जांपल ये वाला, हाँ अलग से रिपोजिटरी बनाई थी, तो साइक्लिक पे पब्लिश कैसे किया था फिर मैंने? नहीं किया। अच्छा लोकल होस्ट पे ही चलाया है अभी तक, तो बना लेते हैं ना फिर एक नई रिपोजिटरी हम इसकी, क्योंकि ये जब तक साइक्लिक पर डिप्लॉय नहीं होगा तो वो PWA बिल्डर हमारा वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें फील नहीं होगा। अच्छा तो हम क्या नाम रख देते हैं इसका, API इंटीग्रेशन इन वेब ऐप। बल्कि हम इसको PWA लिख देते हैं ना, PWA एग्जाम्पल। सही है, प्लेन JS ऐप PWA एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने इसका रेलिवेंट एक नाम रख दिया, दिस रेपो वॉज क्रिएटेड इन आर क्लास एज डेमो। ठीक हो गया जी, क्रिएट रिपोजिटरी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ अपने पास टर्मिनल। मैंने कहा कि भाई CD डेस्कटॉप टैब और गेट क्लोन और पेस्ट, और उसके बाद CD करके मैं चला जाता हूँ, क्या नाम था इसका, प्लेन कोड डॉट, ये ओपन हो गया और इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी आ गई, और हमारा सारा का सारा कोड मैं यहाँ से कट करके नहीं, एक्चुअली कॉपी करके मैं उधर ले जाता हूँ, कॉपी पेस्ट। अच्छा यहाँ पे जो मैं कोड लिखूँगा वो मैं बाद में ओरिजिनल आपकी क्लास वाली रिपॉजिटरी में भी उसको अपडेट कर दूँगा ताकि वो यहाँ पे भी अप टू डेट रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा जिसमें मैं इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, 5.PWA। सही है, तो ये PWA इस वक्त खाली है, तो जो भी कोड बनेगा हमारा लास्ट में वो मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। तो ये सर्वर में मैंने क्या कुछ चेंजेस तो नहीं किए हैं,
चेंजेस क्यों शो कर रहा है। सही, इसको मैं हटा देता हूँ इस चेंजेस को। सही है, तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई चेंज नहीं है, तो अभी जो भी कोड हमारा लास्ट में बनेगा वो इस PWA वाले फोल्डर में मैं ला के लगा दूँगा। अच्छा ये आ गया, इसको मैं कर देता हूँ पुश ऑल कोड एंटर और पुश बैक टू GitHub। अच्छा इस वाले को मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ जो हमारा ओरिजिनल कोड है, ताकि हमारे पास एक ही स्क्रीन हो कोडिंग की। अच्छा अब मैंने इसको साइक्लिक पे भेजना है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले तो ये, ठीक है यहाँ कोड यहाँ पहुँच चुका है, अब इसको मैंने साइक्लिक पे भेजना है, तो मैं साइक्लिक पे चला जाता हूँ, साइन इन कंटिन्यू विद GitHub। ठीक है तीन ऐप बनी हुई है, इसको एक को डिलीट करना होगा मुझे। अरे भाई क्या हो गया, एक को मैंने डिलीट कर दिया, फिर मैंने डिप्लॉय का बटन दबाया और डिप्लॉय का बटन दबाने के बाद लिंक यहाँ पे लिखा मैंने, और ये प्लेन JS पहले ही आ रहा है टॉप पे क्योंकि अभी इसमें कोड पुश हुआ और ये मैंने साइक्लिक पर डिप्लॉय कर दिया। कनेक्ट, ओके गॉट। सही है, ये काम सब लोगों को पहले से आता था। साइक्लिक पे हमारा ये डिप्लॉय हो गया। ठीक है ये डिप्लॉय हो गया, अब मैं इसके डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, ये ऑड हॉर्स करके जो भी है। अच्छा अभी ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास साइक्लिक से क्या URL मिला है। सही है, क्योंकि हमने क्या करा हुआ था यहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे, जो हमने उसको लॉजिक चेंज किया ना उसमें, अगर HTTPS पर है ये तो हमने बेस URL को खाली छोड़ा हुआ है। खाली छोड़ा हुआ है मतलब जो भी डोमेन होगा उसी के आगे से शुरू करेगा, लोकल होस्ट पे ऑनदर एंड में जो है ना बाकायदा एक वो लगाया हुआ है कि लोकल होस्ट का सर्वर एक्सेस करे वो। ठीक है, अच्छा भाई तब ये कंडीशनल बनाने की ज़रूरत हमें पड़ती है क्रॉस ओरिजिन के ऊपर ही, जब क्रॉस ओरिजिन पे चल रहा होता है ना, यानी कि फ्रंट एंड कहीं और है बैक एंड कहीं और है। अगर मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड बैक एंड एक जगह है ना तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको एम्प्टी ही रखता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट, कि भले लोकल पे चले या जिस पे भी चले तो जो डोमेन है उसी के आगे से स्लैश लगा के चले। अगर ये क्रॉस पे होता है ना कि फायरबेस पे फ्रंट एंड अलग से हुआ है होस्ट और ये इस पे अलग से हुआ है, या क्या कहते हैं सर्च वगैरह पे आपने किया है, तो फ्रंट एंड अगर मेरा सर्च पे है बैक एंड कहीं और है तो मुझे इसको कंडीशनल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा तो इसके मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद लॉग्स में इसके आ जाता हूँ, ताकि मैं इसके लॉग्स यहाँ पे जो भी हैं उसको देख सकूँ। ठीक है, मोंगोस कनेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अच्छा वेल, अब मैं क्या करूँगा, इसको URL को ओपन करूँगा तो मेरे पास मेरी ऐप खुल जानी चाहिए, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो। ठीक है, ये मेरी ऐप खुल गई, इसमें डेटा भी आ गया सारा। ठीक है, साइक्लिक ने मुझे ये URL दिया। अच्छा मैं साइक्लिक पे जाके इसका URL environments में से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, कस्टम सब डोमेन पे जाके मैं लिखूँगा भाई PWA example। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा, ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा नहीं है, मिल गया, पेंडिंग है, मतलब 2-4 मिनट लगाएगा ये फिर अपडेट होगा उसके बाद। ठीक है, अब मैं पुराने वाले पे अगर जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये चल रहा है, ये भी चल रहा है भाई जवान पुराना वाला भी चल रहा है, ये नया वाला भी चलेगा। वेल पुराना वाला हो सकता है वो थोड़ी देर में उसको ख़त्म करें। खैर, तो हमने ये इसका URL क्या कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, थोड़ा सा बेहतर बना लिया, पता नहीं कोई माइटी हॉर्स वॉर्स पता नहीं क्या दे देता है वो, उसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, इसमें अवेलेबिलिटी की बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं वो अवेलेबल आपको मिल ही जाए। सही है, तो अच्छा जी ये हो गया हमारा केस एक नंबर पहले। अच्छा अब ये वाला URL मैं क्या करूँगा, ये PWA बिल्डर को ले जाकर दूंगा। ठीक है, हाँ ये स्टार्ट का बटन आ गया, इसको असल में चाहिए इंटरनेट वाला URL। तो ये अब मैं क्या करेगा, ये मेरी ऐप को एनालाइज करेगा कि आया कि मेरी ऐप PWA है ऑलरेडी या नहीं है, अगर है तो किस हद तक है, ये पूरा एनालाइज करके बताएगा। अच्छा PWA जो मिलता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, नंबर एक मैनिफेस्ट और नंबर दो सर्विस वर्कर की फाइल होती है।
ठीक है। अच्छा, ये सर्विस वर्कर वो एंड्रॉयड ऐप में जो सर्विस वर्कर होता है उससे मुख्तलिफ है, ये वो सर्विस वर्कर है बैकग्राउंड में चलता है, ये वो नहीं है। इसका नाम इन्होंने सर्विस वर्कर रखा है, बट कन्फ्यूज ना हो आप कि ये दोनों आइटम अलग अलग है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो ऐप है ना उसमें मैनिफेस्ट जो है वो है ही नहीं सिरे से, ये इसमें परसेंटेज अदरवाइज बनवाते हैं नहीं है, और सर्विस वर्कर भी नहीं है इसके अंदर, दोनों नहीं है। अब ये बनेगा तो पता चल जाएगा। ये जेसन की एक फाइल होती है असल में, जो मैनिफेस्ट होती है वो क्या होती है, जेसन की फाइल। अभी 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 आराम आराम से एक एक करके नेम वगैरह ये सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट से ही उठाता है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एडिट योर मैनिफेस्ट, ठीक है, एडिट योर मैनिफेस्ट का मैंने बटन दबा दिया। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, मुझे ये फॉर्म इसने दे दिया, ये फॉर्म मैंने फिल करना है। मैंने कहा भाई ये मेरी जो है ना नाम जो है मेरी ऐप का वो क्या है, क्या नाम रखा था हमने, ई कॉमर्स स्टोर, हमारे स्टोर का कुछ नाम रख लेते हैं, नहीं कुछ नाम रखते हैं ना, ये स्टोर का कोई नाम होता है जैसे दराज डॉट पी है, हाँ मलिक स्टोर, चलो क्या कहते हैं कुछ कुछ अच्छे मलिक स्टोर कुछ अच्छा नहीं होगा, ई कॉम, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। इसका नाम हम दराज रख देते हैं ना, सही है दराज जो एग्जिस्टिंग है। अच्छा, शॉर्ट नेम में इसका मैंने यहाँ पे भी दराज लिखा। अच्छा, शॉर्ट नेम ये बता रहा है कि कहाँ पे यूज़ होगा, ऐप लॉन्चर्स के अंदर यूज़ होगा ये, और ये वाला क्या होगा, ये वाला प्रॉपर नाम होगा आपका, जहाँ पे जाहिर है स्टोर में जब आप जाते हैं तो प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी हम दराज डॉट पी के पूरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ, तो अगर मेरा नाम छोटा है तो दोनों जगह मैं सेम ही लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा कि भाई दिस इज सम डिस्क्रिप्शन, सही है, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिख दी। अच्छा, बैकग्राउंड कलर और थीम कलर ये मैंने बता दिया, ये दोनों कलर जब मैं सेलेक्ट करूँगा, आपको पता है बॉडी का कलर बैकग्राउंड वाइट होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये उसकी बात हो रही है। तो मैंने कहा भाई बॉडी का कलर जो है ना वो हल्का सा क्या कर दो, ग्रीन कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे आमतौर पे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा ना ग्रीन का शेड आ रहा हूँ मेरे बॉडी में। और थीम का कलर मैंने कहा भाई क्या हो जाए मेरे, पिंक, पिंक पसंद है किसी को यहाँ पर, मैंने कहा यार मेरा जो कलर है ना वो थोड़ा सा ये हो जाए सी ग्रीन टाइप का हो जाए कुछ, सही है डार्क सी ग्रीन, तो ये मेरा थीम है। अभी देखते हैं इससे हम क्या डिफरेंस आता है हमारी ऐप में, कि एक ग्रीन है और एक सी ग्रीन है। अच्छा, ये हो गया भाई। नेक्स्ट, सेटिंग के अंदर स्टार्ट यूआरएल डायरेक्टरी, ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही हम छोड़ रहे हैं उसको फ़िलहाल के लिए। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, मतलब ये तो मैं एडिट माई मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, मैनिफेस्ट बना नहीं रहा हूँ मैं, मतलब इसने जो एनालाइज किया, इसने बोला आपके पास जो मैनिफेस्ट था उसी को एडिट करो, मेरे पास मैनिफेस्ट था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये एक्चुअली मुझे बता रहा है कि यहाँ यहाँ पे चीज़ें जो रिक्वायर्ड है जो आपको लाजमी लगानी है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ ना तो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सेटिंग में ऑन अदर एंड कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड थी वो खाली नहीं है, स्टार्ट यू आर एल है वो बाई डिफ़ॉल्ट ही स्लैश है, ठीक है। स्लैश का मतलब है कि पूरा यू आर एल है जहाँ से भी शुरू हो रहा है। अच्छा, ओरिएंटेशन जो है इसकी मेरी ऐप की क्या होगी, पोर्ट्रेट होगी, सही है, लैंडस्केप होगी, सही है, पोर्ट्रेट प्राइमरी होगा, यानी ऐप जब खुलेगी तो पोर्ट्रेट में खुले लेकिन बाद में उसको लैंडस्केप किया जा सके, या मैं बोलूँगा कि भाई पोर्ट्रेट जो है वो सेकेंडरी है, कि जब खुलेगी ऐप तो लैंडस्केप में खुलेगी लेकिन उसको पोर्ट्रेट में किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने सिर्फ लैंडस्केप कर दिया ना अगर, तो जैसे पबजी खुलता है ना, गेम खुलते हैं लैंडस्केप में ही खुलते हैं, उसको पोर्ट्रेट में नहीं किया जा सकता, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कि एनी, कि जो भी आ रहा हो मेरी ऐप सब पे चल जाती है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, सही है। उसके बाद है डिस्प्ले, हमारे पास डिस्प्ले में हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन में क्या होता है ऊपर का वो सिग्नल विग्नल वाली जगह गायब हो जाती है पूरी,
सही है, यहाँ पे टॉप पे जो ये आ रहा है ना, ये पट्टी आ रही है, ये गायब हो जाती है फुल स्क्रीन में, मोबाइल ऐप की बात हो रही है। सही है। और हमारे पास जो एक मिनिमल यूआई है, एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र करूँगा ना तो जब ऐप को आप लॉन्च करेंगे ना, इंस्टॉल हुई भी ऐप की बात हो रही है, उसको जब आप लॉन्च करेंगे तो वो बाकायदा ब्राउज़र खोल देगा पूरा, उसमें ब्राउज़र का बार बना हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा भाई स्टैंड अलोन हो, स्टैंड अलोन मतलब जैसी प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल होती है ऐप, तो वैसी जो होती है उसको इंस्टॉल स्टैंड अलोन कहते हैं। डिस्प्ले ओवरराइड किया है, यूज डिटरमाइन डिस्प्ले प्रेफर्ड मोड, एक्टिव ओवरराइड आइटम्स। अब ये कुछ पता नहीं क्या ऑप्शन है, ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड नहीं कर रहा डिस्प्ले को, इसको मैं डिफॉल्ट पे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है भाई। अच्छा, ये चीज़ कैटेगरी रिक्वायर्ड, तो मेरा जो है वो एक्चुअली बिजनेस है, सॉरी शॉपिंग है मेरा। सही है, शॉपिंग है मेरे पास, और दो कैटेगरी भी लगा सकता हूँ मैं। दूसरी कौन बिजनेस सी, बिजनेस यूटिलिटी एक्चुअली, क्योंकि यूटिलिटी शॉप होगी। और बिजनेस होगा एक्चुअली। सही है। अच्छा, और आगे आ जाते हैं आइकॉन। अब आइकॉन का क्या चक्कर है कि जब आपकी ऐप ना इंस्टॉल होगी ना किसी भी डिवाइस में, तो जाहिर है उसमें मेन मेन्यू के अंदर एक आइकन दिखाना होगा, फिर जब वो खुलती है ऐप तो अच्छा, मतलब अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग साइज़ के आइकन्स होते हैं, तो उसको एक ना नंबर ऑफ आइकन्स चाहिए होंगे एंड्रॉयड के लिए, आईफोन के लिए, और विंडोज़ ऐप, विंडोज़ फ़ोन के लिए बहुत सारे आइकन्स उसको चाहिए होंगे ऊपर टॉप पे दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना आइकन, इधर दिखाने के लिए, कि सारी जगहों पे उसको दिखाने के लिए ना डिफरेंट साइजेस के आइकन चाहिए होंगे। तो ये जो मेरे पास टूल है ना, PWA बिल्डर, अच्छा ये जेसन आप हाथ से भी बना सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट ये आपको क्या देता है, ये सारी फैसिलिटीज़ दे देता है। तो मुझे 512 बाई 512 का क्या दे रहा है ये, एक कह रहा है कि आप PNG इमेज दे दो मुझे 512 बाई 512 की, और बाकी हम देख लेंगे कि क्या करना है। सही है, आ जाते हैं और आगे हम, अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 512 बाई 512 की एक इमेज चाहिए ना, मैंने कहा PNG आइकॉन। सही है, और 512 बाई 512 मैं गूगल से उठा ले रहा हूँ, वैसे आप आपके केस में आप जो है ना वो बनाएंगे खुद, तो दराज ही उठा लेता हूँ। सही, ये दराज का 512 512 का आइकन आ गया। सही, ये एग्जैक्टली 512 का ही है और है भी PNG। तो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही, और यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के सेव किया, इसको मैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ, बल्कि डाउनलोड्स में करता हूँ। सही है जी, PNG फाइल मेरे पास एक डाउनलोड हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाके इसको ये फाइल पकड़ा देनी है कि भाई जान ये लो हमारा आइकन ये रहा, अपलोड। और अच्छा, इसमें 512 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप इससे बड़ा भी दे सकते हैं उसको, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ना आप इस टूल के जरिए क्या कर सकते हो, इस आइकन को देके इन तीन प्लेटफॉर्म्स के लिए जनरेट कर सकते हैं तमाम डिफरेंट साइजेस के जो आइकन है वो जनरेट कर। तो मैंने कहा जनरेट जिप, ये दबा दिया मैंने, तो एक वो जिप फाइल बन के ना डाउनलोड हो जाएगी खुद ही, जिसमें हर तरह के तमाम आइकन्स मौजूद होंगे। ठीक हो गया, ऐप इमेजेस डॉट जिप, इसमें वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने शायद पहले भी इससे जनरेट किए, तो वो भी डाउनलोड्स में कहीं होगा। चल के देखते हैं इसने क्या डाउनलोड किया। डाउनलोड्स में गया मैं, और ये जो जिप फाइल थी मेरे पास, कहाँ डाउनलोड कर दिया इसने उसको, ये रहा ऐप इमेजेस डॉट जिप। ये तीनों जो है ना मेरे पास, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के अपने इधर ले आऊँगा मैं। सही है, यहाँ पे लेकर आ गया मैं इसको। ठीक हो गया, ये मेरे वेब के फोल्डर में ये तीनों चीज़ें आ गई। अच्छा, ये कौन से फोल्डर में है, जहाँ पर मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वहाँ ला के मैंने उसको रखा है। अच्छा, अब आप देखें एंड्रॉयड को अगर मैं खोलता हूँ ना, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के आइकन यहाँ पे देखो बना दिए इसने। ठीक है, एंड्रॉयड को ये सारे साइज़ चाहिए होते हैं, iOS को ये सारे साइज़ चाहिए होते हैं। सही है, ये अगर आप खुद से जनरेट करेंगे ना फोटोशॉप वगैरह से, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। अभी हम अभी खुद यूज़ नहीं करेंगे, हम मैनिफेस्ट में बता देंगे कि ये सारे आइकन हैं, जहाँ पे जो चाहिए होगा ना वो खुद उठा लेगा।
ये विंडोज़ फोन 11 है, इसको भी ये सारे आइकन चाहिए अलग अलग साइज़ के। ये देख रहे हो, लैंडस्केप में दिखाने के लिए और पोर्ट्रेट में दिखाने के लिए अलग अलग किया हुआ है इन्होंने। सही है, कितने सारे डिफरेंट साइज़ेस हैं। स्क्वायर का अलग किया हुआ है इन्होंने, स्टोर लोगो है और वाइड लोगो अलग है। नहीं, ये 11 का केस नहीं है असल में, ये बस विंडोज़ के जितने भी थे ना सब इन्होंने बना दिए। वो 11 इन्होंने असल में माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है ना, तो बिला वजह उन्होंने 11 ऐड किया है, ज़रूरत नहीं थी उसकी। सही है, मतलब इमोशनली वो आपको कर रहे हैं कि यार 11 आ गया, हालांकि 11 की लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अच्छा, साथ साथ एक आइकन्स डॉट जेसन भी है मेरे पास, नोट कर रहे हैं आइकन्स डॉट जेसन। तो ये भी एक फाइल आई है मेरे पास आइकन्स डॉट जेसन की, जिसमें इन सारे जो आइकन्स है इसका नाम और इसका साइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह करके लिखा हुआ है यहाँ पे किसका किसका साइज क्या है, ये सब यहाँ पे लिस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, अभी इसको हम यूज़ करेंगे मैनिफेस्ट के दरमियान में, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने उसी टूल के ऊपर। तो ये तो हमने जनरेट कर लिया, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन शॉट्स। मेरे ऐप का ना मुझे स्क्रीन शॉट चाहिए होगा, सही है, मेरे ऐप की मुझे स्क्रीन शॉट चाहिए होगा कि चलने में मेरी ऐप कैसी दिखती है। अब क्या होगा कि मैं ऐप को चला कर देखूंगा, जब भी मुझे स्क्रीनशॉट पता चलेगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये यूआरएल दे दूंगा मेरी ऐप का, सही है, और जनरेट स्क्रीनशॉट का बटन दबा दूंगा। सही है, अच्छा, मेरी ऐप के अंदर एक ही पेज है एक्चुअली, दो पेज नहीं है, ठीक है। स्लैश प्रोफाइल स्लैश अबाउट स्लैश गैलरी करके ना मैं इसको दो तीन दे दूंगा और जनरेट का बटन दबाऊंगा तो ये जनरेट कर देगा उसको। सही है, ऐसे करके कुछ सीन चल रहे हैं यहाँ पे। जनरेट का बटन दबा दिया, एक ही स्क्रीन है, ये खुद से बना कर ले आएगा, कुछ करता है ये बैकग्राउंड उस ऐप को अपने पास खोलता है और उसके स्क्रीनशॉट बना के यहाँ दे देता है मुझे। इससे भी क्या होता है, मेरा टाइम बच जाता है, अदरवाइज़ मैं उसको, मेरे पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिसपे मैं खोलूँ उसका स्क्रीनशॉट लूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम मेरा बचाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो स्क्रीनशॉट इसने यहाँ पे ला के दे दिया। सही है, इस तरह से स्क्रीनशॉट एक इधर और एक टैबलेट डिवाइस पर। हाँ, एक मोबाइल के लिए और एक टैबलेट के लिए दो स्क्रीनशॉट इसने मुझे लाकर दे दिया है कि भाई आपका जो है ना इस तरह की दिखेगी आपकी ऐप। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया कोड। तो ये जो भी कुछ मैंने लिखा है ना उसका सारा का सारा कोड जो है यहाँ पे मेरे पास बन के आ चुका है। सही है, ये वाला सारा कोड जो है वो मेरे पास क्या है, बन के आ चुका है। ठीक है, अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड मैनिफेस्ट का भी बटन दबा सकता हूँ और इस पूरे कोड को हाथ से कॉपी भी कर सकता हूँ, तो मैं डाउनलोड का बटन दबाना प्रेफर करूँगा। तो मैनिफेस्ट डॉट जेसन करके मेरे पास एक फाइल है, बनी भी आ गई है। ठीक है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन आ गया। इस मैनिफेस्ट डॉट जेसन को मैं ड्रैग करके कहाँ ले आऊँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जहाँ पर है उस लेवल पर लेकर आ जाऊँगा। सही हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अच्छा, मैं चाहूँ तो इन तमाम चीज़ों को एक अलग फोल्डर में भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। आप PWA करके एक फोल्डर बना दूंगा मैं, उसके अंदर इसको मैं कर दूंगा। अच्छा, अब ये मैनिफेस्ट भी बनकर आ गया, आइकन्स डॉट जेसन भी बनकर आ गया और ये तमाम फोल्डर भी आ गया। इसको अपनी ऐप के साथ अटैच कैसे करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि अटैच कैसे होगा, मैनिफेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैनिफेस्ट अटैच कैसे होगा वो यहाँ पर उन्होंने बताया। अच्छा, हेयर लर्न मोर। अच्छा, ये MDN के डॉक्यूमेंट पे लेकर चला गया, कह रहा है यार इस तरह की होती है मैनिफेस्ट, आप देख लो इस तरह क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आपकी ये फ्रंट एंड पे अटैच होगी। हाँ, लिंक होगा रिलेशन मैनिफेस्ट और HRF के अंदर उस मैनिफेस्ट का पाथ लगा दोगे। ठीक है, एक इसमें और ये हो सकता है कि भाई क्रॉस ऑरिजिन क्या है ये ऐप आपकी। ठीक है, तो आप क्रॉस ओरिजिन में आप बोलेंगे भाई यूज़ क्रीडेंशियल करके लगा दो, लेकिन हमारे पास अभी क्रॉस ओरिजिन क्योंकि नहीं है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ मैनिफेस्ट रिक्वायर क्रीडेंशियल टू फैच। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट को आपने किसी दूसरे सर्वर पे रखा हुआ, एक तो देखो एक तो ये होता है ना कि मैं क्या कर देता हूँ HRF के अंदर लोकल फाइल का बता देता हूँ कि भाई डॉट स्लैश इसी फोल्डर में मैनिफेस्ट डॉट जेसन। इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि पूरा URL लिख दूंगा,
तो पूरा URL जब मैं दूंगा तो वो किसी दूसरे सर्वर से भी आ सकता है। तो वहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे कुकीज़ हैं वो भी लेकर जाए और क्रेडेंशियल से ऑथेंटिकेट होकर आए, कोई और गेट ना कर सके उसको, तो मुझे ये यूज़ क्रेडेंशियल लगाना है। तो ये बहुत कम केसेस में होगा, ज़्यादातर केसेस में हमारे पास क्या हो रहा होगा, हम लोकल ही इसको अटैच कर रहे होंगे। तो मैं हेड में आता हूँ और हेड में आके मैं इस जगह पे उसको लगा देता हूँ कि भाई रिलेशन मैनिफेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट स्लैश लगा दूँ तो बेहतर है, सही है, डॉट स्लैश लगा देना बेहतर है, क्योंकि लिनक्स में डॉट स्लैश और सिर्फ स्लैश का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको मैनिफेस्ट को एक दूसरे फोल्डर में यहाँ से कर दूँ, मैं उसको बोल देता हूँ कि PWA, और इस मैनिफेस्ट को उठा के मैं PWA के अंदर कर देता हूँ अगर, तो अब मैं इसका नाम कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा डॉट PWA स्लैश करके लिखूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास ये मेरा मैनिफेस्ट अटैच हो गया इसमें, ठीक है, मैनिफेस्ट क्या हो गया, मैनिफेस्ट की फाइल में जो जो चीज़ें थी वो सब अटैच हो गई, यानी कि अब ये तमाम चीज़ें मेरे पास कहाँ पे शो होनी चाहिए, PWA के अंदर नहीं, जब मैं इस ऐप को ओपन करूँगा ना अपने पास लोकल, ये मेरे पास लोकल ऐप ओपन हुई हुई है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे शो होनी चाहिए कहाँ पे, इधर जाओगे आप एप्लीकेशंस के अंदर, सही है, यहाँ पे इस वक्त मैनिफेस्ट जो है वो खाली आ रहा है, नो मैनिफेस्ट डिटेक्टेड, क्योंकि अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया ना मैनिफेस्ट लगाने के बाद। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अरे ये क्या लोकल बंद हुआ है सर्वर मेरा, अच्छा लोकल मेरा सर्वर बंद हुआ है, तो मैंने कहा npm रन डेव, ये मैंने लोकल चला दिया, तो ये मेरे पास वो मैनिफेस्ट शो हो गया। आप नोट कर रहे हैं, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, ऑरिएंटेशन, डिस्प्ले, आइकन्स, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2, ये देख रहे हो, तो ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब ये इंस्टॉल हो गया है ना, नहीं अभी भी तो हो रहा है, ये शायद बैकग्राउंड कलर इसका वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वही है पक्का, नहीं बिल्कुल बैकग्राउंड कलर जो है, एक मिनट ना मैं इधर आ गया उसको, अगर असल में ये ऐसा नहीं पता चलेगा, मुझे अब कलर पिकर लगाना पड़ेगा फिर पता चलेगा, कलर जीला, यार ये कैसे आएगा, एक्सटेंशन असल में मैंने सारे ना बंद किए हैं, अभी यहाँ से जाके ऑन करना पड़ेगा, वो मेरे पास ना एक बिला वजह का एरर आ रहा था, ये कलर जीला को मैं क्या कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। अब इससे जब मैं कलर पिक करूँगा ना इसका, तो आपको बकायदा फिर पता चल जाएगा कि कलर वाइट है या क्या है, अच्छा अभी तो फ़िलहाल के लिए तो वाइट ही है। यार ये क्या हो रहा है, सही से लोड नहीं हुआ है शायद, ये नहीं, वो मोबाइल ऐप में असल में उसका इम्पैक्ट आएगा, वैसे तो नहीं, नहीं साइक्लिक से ताल्लुक ही नहीं है उसका भी, तो अच्छा बैकग्राउंड कलर ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा एक्चुअली, यहाँ पे इसको अप्लाई करना भी नहीं चाहिए, सही है, यहाँ पे तो वाइट है फिलहाल बैकग्राउंड कलर मेरा, कलर जीला भी ना कुछ सही काम नहीं कर रहा, देख रहे हो अपडेट नहीं हो रहा सही से, जब मैं जिस जगह पे जैसे ही ना ब्लैक लिप पे लेकर चला गया, अब ब्लैक नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये सही काम, और ये पूरी ऊपर की पट्टी भी ना आधी कटी भी आ रही है, देखो पता नहीं अजीब सा ये फिनोमेना है, कोई आधी पट्टी ना वो कट के आ रही है, ये कलर फिगर फिगर सही काम नहीं कर रहा है,
ये इन्होंने कुछ अपडेट अपडेट किया मेरे ख्याल में, मेरे ब्राउजर पे इशू कर रहे हैं ना। अच्छा असल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने ना वो दिया हुआ है पॉइंट सैंपल सिलेक्शन एवरेज, अगर किसी सिलेक्शन का एवरेज निकाल के मुझे दे रहा है, इस तरह कर रहा है। तीन चार इन्होंने अप्रोच दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट। पॉइंट सैंपल में ये किसी पॉइंट पे मैं रखूँगा उसको सेलेक्ट करेगा ये, और 3x3 में ये होगा कि थोड़ा मोटा पिक्सल मुझे दे रहा है ये 3x3 का। वेल छोड़ो इसको यार, किस चक्कर में पड़ गया, हमें वापस हम आते हैं। वेल अभी ये यहाँ पे नहीं, इसको आना चाहिए जब मैं मोबाइल ऐप में इसको इंस्टॉल करूँगा ना, या डेस्कटॉप पे ही इसको, इंस्टॉल का बटन अभी तो शो भी नहीं हुआ हमारे पास, तो फिर ही इसको आना चाहिए। अच्छा इसमें आप नोट करें, अभी आइकन्स इसको पता नहीं चल रहे हैं, अभी सिर्फ वो दो स्क्रीनशॉट इसको पता चल रहे हैं जो मैनीफेस्ट में इंक्लूडेड थे। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने इस मैनीफेस्ट में वो सारे आइकन भी अटैच करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इन तमाम फोल्डर्स को भी मैं उसमें PWA में ले जाता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद क्लीन हो जाएगा थोड़ा हमारा काम ना। आइकन्स डॉट जेसन वगैरह ये सब मैं PWA के फोल्डर में इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, हमारा रूट फोल्डर ना क्लीन हो गया थोड़ा। अच्छा और मैनिफेस्ट डॉट जेसन में जाके यहाँ पे आइकन के नाम से कुछ भी नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा आइकॉन्स कॉलन, और मैं कहूँगा भाई .icons.json। ठीक हो गया, एरर किस मशीन में दे रहा है। अच्छा डबल कोटेशन चाहिए इसको, सिंगल कोटेशन में मसला हो रहा है, सही है। मैंने कहा अच्छा आइकन्स नहीं होता, आइकॉन होता है शायद, तो अब यहाँ पे इसको पता चल जाना चाहिए आइकन्स के बारे में। एक मिनट यहाँ देख लेता हूँ, आइकन है या आइकन्स है, एस है भाई, एस लगा हुआ, एस पे एरर क्यों दे रहा था फिर। आइकॉन्स है तो सही है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने आइकन्स जो लगाना बताया वो इस तरह करके बताया, अलग फाइल पे लगाना नहीं बताया, सही है। ये शायद हम अलग से गूगल कर लेते हैं कि ये अलग से अगर फाइल हो हमारी आइकन की तो हम वो कैसे अटैच करेंगे। एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि आइकन्स डॉट जेसन में जाऊँ और इसको पूरे को यहाँ से कट करके मैं लेकर आ जाऊँ ना, इतना पार्ट में कट करूँ यहाँ से Ctrl+X, और इसको मैनिफेस्ट में यहाँ ला के मैं इधर पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और लास्ट में कॉमा इसको चाहिए होगा, तो ऐसे करके भी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अरे क्या बकवास है, ये पकड़ क्यों नहीं रहा है, एम्प्टी कैसे करना पड़ेगा ये मुझे। आइकॉन्स पे ये कह रहा दे रहे हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की, ओके ये कह रहा है आइकॉन्स कहीं पहले भी लगे हुए हैं उसमें, कहाँ लगे हुए हैं भाई। अच्छा अच्छा ये लास्ट में एक बना हुआ है खाली, चलो अब सेट कर दिया मैंने वो मसला भी, हाँ आ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा शायद इसी वजह से गड़बड़ तो नहीं हो रही थी, इसी वजह से तो गड़बड़ नहीं हो रही थी पहले भी जो मैं लगा रहा था आइकॉन्स। आइकॉन कह रहा है कि लास्ट में बना हुआ है, तो हम चलते हैं लास्ट में भाई, बल्कि लास्ट में ना चीज़ें उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाने का रीज़न ये है कि ये जो इमेज लगी हुई है ना Base64 में, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, तो इसको मैं सबको उठा के ना ऊपर ले जाता हूँ टॉप पे, सही है। आइकॉन्स है और इसमें मैं उसको फाइल को दोबारा से अटैच करने की कोशिश करता हूँ .icons.json। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी, नहीं नहीं पकड़ा अभी भी इसमें, आइकन SRC इज़ नॉट सेट, हाँ वापस उसको मैंने मॉनिटर किया सेव, अभी भी नहीं पता चल रहा है इसको। प्रॉपर्टी आइकॉन्स इग्नोर टाइप एरे एक्सपेक्टेड, ओके ओके
ये कह रहा है कि इसको ना एरे चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम एरे बना देते हैं। वो असल में ये ऑब्जेक्ट है ना, तो शायद इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा। इसको हमने एरे बना दिया, अब सही है? नहीं अभी भी। तो हम इसको गूगल ही कर लेते हैं कि सेपरेट फाइल ऑफ आइकॉन्स मैनिफेस्ट। हाउ टू स्पेसिफाई आइकन्स इन मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन। सही है, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई इस तरह करके आप कर लो, अलग से फाइल पे कैसे होगा वो यहाँ पर जिक्र नहीं किया किसी ने। अच्छा, ये तो वही डॉक्यूमेंट आ गया जो पहले खोल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ज़िक्र किया है कि जो आइकन्स है ना उसकी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इमेज ऑब्जेक्ट में कंटेन द फॉलोइंग वैल्यूज़। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक दो हम क्वेश्चंस और देखते हैं ज़रा। किसी ने भी ये अलग से फाइल में कैसे बनेगा ये नहीं बताया। सेपरेट आइकन्स फाइल इन मैनिफेस्ट डॉट जेसन। अच्छा, किसी ने भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पर, तो हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को ऐसे कट करके उधर ही ले जाके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, उधर ही आइकन्स की जगह पे ना इसको हम ले जाके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सही है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज़ ये कोई ना कोई तरीका इसका होगा अलग से फाइल पे लगाने का ना, लेकिन फ़िलहाल वो मुझे मिल रहा नहीं है। और आइकन्स डॉट जेसन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही मैनिफेस्ट डॉट जेसन है और उसी से सारा काम हो रहा है, और हमारा ये PWA वाला फोल्डर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है इस वक्त। और अब आके हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें मैनिफेस्ट जो लोड हुआ होगा हमारे पास। अच्छा, ये तो PWA वो खोला होगा ना मैंने ऑनलाइन वाला। हाँ, यहाँ पे अब ये सारे आइकन इसको पता चलना शुरू हो गए। अच्छा, स्टिल यहाँ वाले आइकन जो है वो ऊपर यहाँ पे फैव आइकन में नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं स्टिल, ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, फैब आइकन कैसे आता है ये पता है किसी को? उसके लिए ना, हाँ, हमें ना ICO करके एक फ़ाइल बनती है, फैब आइकन डॉट ICO। अच्छा, यहाँ पे ICO तो कहीं पे भी नहीं है, किसी में ICO बना हुआ नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी वाले का हम फैब आइकन भी बना देते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक लोड करने लग जाए। अगर आप नेटवर्क्स में जाएंगे ना और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अच्छा, फैब आइकन बना लेते हैं इसी तरह, फैव आइकन जनरेटर। सही है, फैव आइकन जनरेटर मैंने खोला। ये PWA का पार्ट नहीं है, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं अलग से। एक PNG इमेज मैंने सेलेक्ट की डाउनलोड्स में से जाकर, ये मैंने PNG इमेज सेलेक्ट कर ली और ये मुझे क्या जनरेट करके दे देगा ये मुझे फैव आइकन जनरेट करके दे देगा।
अभी जनरेट का बटन कहाँ आ रहा है? ये रहा, जनरेट योर फेव आइकन HTML कोड, ठीक है? ये HTML5 का कोड अब जनरेट कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम सवाल? PNG इमेज लग जाती है, लेकिन इसका ना ICO एक फॉर्मेट है प्रॉपर, तो बेहतर है कि वो ICO फॉर्मेट आप लगाएं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यार फेव आइकन का ना पैकेज डाउनलोड करें। ये एक जिप फाइल होगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्लिक किया मैंने तो ये जिप फाइल क्या हो गई? डाउनलोड हो गई, सही है। ये जो जिप फाइल है इसके अंदर आप देखें डिफरेंट साइजेस हैं फेव आइकन के, ठीक है, और डिफरेंट ब्राउजर्स के हिसाब से इसको ना एक, अच्छा इसका PWA से ताल्लुक नहीं है, अगेन मैं ये बता दूँ, ये एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में ही आपको करना होता है, ठीक है, इसका PWA से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट साइज इसने जनरेट कर लिए, और अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे लाके एक फोल्डर बना लेता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली मैं फेव के नाम से, ठीक है, एक फोल्डर बना लेता हूँ मैंने कहा फेव, और उसमें लाके ना ये तमाम चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ड्रैग और फेव में लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको ये अटैच करना बता रहे कि आप इसको करेंगे एस्टर द रूट ऑफ द वेबसाइट दैट। अच्छा, ये लिंक इन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके आप अपने कोड में इसको ऐड कर लें। अच्छा, ये लिंक कहाँ पर लगेगा आपके कोड के? हेडर में लगेगा ये, सही है, और हेडर में लाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एप्पल टच आइकन, उसके बाद है आइकन आइकन और मैनिफेस्ट साइट डॉट वेब मैनिफेस्ट डॉट कॉम, सही है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो एक होती है मैनिफेस्ट और एक होता है वेब मैनिफेस्ट, तो इन्होंने ना यहाँ पे वेब मैनिफेस्ट भी मुझे बनाकर दे दिया। वेब मैनिफेस्ट का जो ताल्लुक है, यानी वेब मैनिफेस्ट में जो भी आप काम करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? वेब में आएगा, ठीक है। आमतौर पर जब PWA की आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें वेब मैनिफेस्ट को भी कवर किया जाता है, लेकिन वो ये बताते नहीं है कि वेब मैनिफेस्ट में और मैनिफेस्ट में डिफरेंस एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इसका जो SRC है सबका, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको फेव के फोल्डर में डाला है। तो मैं ये जितना भी HRF है ना, सब पे जाके क्या कर दूँगा, सही है, इस पे जाके मैं डॉट फेव लगा दूँगा, सही है, और ऑब्वियसली मैं डॉट स्लैश लगाऊँगा शुरू में, ताकि इस फोल्डर से जहाँ पे भी है, सही है, सिर्फ स्लैश लगाने से भी चलता है, लेकिन डॉट स्लैश मच अप्रोप्रिएट है। तो ये मैंने लगा दिया। अच्छा, वेब मैनिफेस्ट के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ना सारे, वेब मैनिफेस्ट को अगर मैं खोलूँगा ना, तो उसमें तमाम ऑप्शंस कौन से वाले होते हैं? वही वाले होते हैं जो एक मैनिफेस्ट के अंदर होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें ये दो आइकन लगे हुए हैं, ये दो आइकन वेब के लिए ये बने हुए हैं, वेब के लिए जनरेट हुए हैं, और ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्योंकि इस फेव आइकन के रूट पर है, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है इसके SRC के अंदर। तो हमने क्या बना लिया, एक हमने फेव बना लिया और एक हमने PWA बना लिया। तो आ जाते हैं अब यहाँ पे, देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखें यहाँ पे ये छोटा सा आइकन चुनना सा बना हुआ आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी ना बैकग्राउंड कलर थीम कलर वगैरह है, तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर में जाके बोल दूँ ना कि भाई आप क्या हो जाओ, सही है। अभी मैंने क्या कर दिया इसको बैकग्राउंड कलर को, सबसे पहले R होता है ना, रेड होता है, तो रेड को मैंने फुल किया हुआ है, बाकियों को ज़ीरो किया हुआ है, तो इसका मतलब है बैकग्राउंड कलर मैं कह रहा हूँ सख्त रेड, ठीक है, लेकिन उसका असर तो नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है, बकवास है भाई, एरर किस चीज़ का आ रहा है? नहीं, एरर किसी चीज़ का भी नहीं आ रहा है। नो मैच, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वेब मैनिफेस्ट अटैच भी हुआ है सही तरह या नहीं हुआ है। वेब मैनिफेस्ट लिंक है, मैनिफेस्ट है, fab.site.manifest, सही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है बिल्कुल। वेल, तो अभी बजाय इसके ज़्यादा डिटेल में जाए हुए, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो फेव आइकन नहीं है, वो ऐसे ही हमने देख लिया साइड में कि भाई ये क्या चीज़ है, तो इसको हम फिलहाल के लिए बंद करते हुए, इसमें वेब मैनिफेस्ट में मैंने क्या किया, कुछ चेंज किया गया वेब मैनिफेस्ट में? मैंने क्या चेंज किया था अभी, कलर को वापस पहली जगह
वैली वाली जगह पे लाते हुए सही है। बैकग्राउंड कलर कहाँ अप्लाई होता है ये बल्कि देख लेते हैं नहीं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कहाँ होता है, तो दोनों में अप्लाई नहीं हो रहा। मैनीफेस्ट में जाता हूँ मैं दोबारा, और मैनीफेस्ट में जाने के बाद यहाँ जो बैकग्राउंड कलर है इसको पढ़ लेते हैं कि थीम कलर है। जैसे ये थीम कलर, द थीम कलर मेंबर इज द स्ट्रिंग डिफाइंस दैट द डिफॉल्ट थीम कलर ऑफ द एप्लीकेशन। दिस समटाइम अफेक्ट हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले द साइट। एंड्रॉयड टास्क स्विचर एंड एंड्रॉयड कलर सराउंड द साइट। अच्छा अच्छा ये कह रहा है कि जब आपकी ऐप खुलेगी तो एंड्रॉयड का जो बैक का बटन होता है ना उसमें ये कलर आ जाएगा, और टॉप का जो बार है सिग्नल वाला उसमें भी ये कलर आ जाएगा। सही हो गया। और ये तो थीम कलर हो गया, और बैकग्राउंड कलर ये क्या करता है देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल है भी ये भाई, इसका मतलब है सब जगह पे ये काम नहीं करेगा। द बैकग्राउंड कलर मेंबर डिफाइंड द प्लेस होल्डर बैकग्राउंड कलर फॉर द एप्लीकेशन पेज टू डिस्प्ले बिफोर द स्टाइल शीट इज लोडेड। अच्छा ये कह रहा है कि भाई जब तक आप स्टाइल शीट आपकी लोड नहीं हो जाती तो बैकग्राउंड पे ये कलर दिखेगा, ठीक है। या आपने किसी पे कोई कलर अप्लाई नहीं किया हुआ तो भी दिखेगा, लेकिन हमारे केस में ये अप्लाई नहीं हो रहा बैकग्राउंड पे। नहीं ना, हमने सीएसएस में बैकग्राउंड कलर चेंज तो नहीं किया, तो इस पे शो करना चाहिए वेब मैनिफेस्ट में, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है तो शायद गूगल क्रोम इसको अभी फॉलो नहीं कर रहा है। सही है, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने एक्सपेरिमेंटल से मुराद ये है कि अभी ये ना हो सकता है इसको हटा दिया जाए बाद में, एक्सपेरिमेंटल का ये मतलब है। ठीक है जी, तो ये सारे आइकन वाइकन हमारे पास लोड हो चुके हैं, सारे मंजन हमारे सेट हैं। थीम कलर हमने इसमें सी ग्रीन किया हुआ है, तो जब हम इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे तो देखते हैं अभी थीम कलर आता है उसमें या नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो पी डब्ल्यू ए बिल्डर पर जाके अब मैं क्या करूँगा, ये मैनिफेस्ट का काम मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे ना। इसको मैं एक्चुअली रिफ्रेश कर रहा हूँ, सही है, इस पूरे पेज को। अरे हाँ, पुश नहीं किया तो उसको पता ही नहीं चलेगा अभी तो फिलहाल। आओ पुश करते हैं ये तमाम चेंजेस को। मैं कहता हूँ कि भाई मैनिफेस्ट अपडेटेड, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट इस पेज को रिफ्रेश कर लूँ, या बैक करके वही जो बॉक्स था ना उसमें यूआरएल दोबारा लिख के एंटर कर दूँ, एक ही बात है। सही है, अभी साइक्लिक पे ही अपलोड हो रहा है। नहीं नहीं, खुद ही होगा, ये खुद ही होगा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि वो जो नई कमिट होगी ना उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, मैनिफेस्ट अपडेटेड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं जब इसको खोलूँगा, कहाँ गया वो यूआरएल, इसको खोलूँगा तो ये नया वाला खुलेगा। नया वाला खुलने का मतलब है कि ऊपर देखो आइकन वाइकन सब आ रहा है यहाँ पे। सही है, और ये एप्लीकेशन में मेरे पास मैनिफेस्ट लोड हुआ है इसमें। अच्छा, यहाँ जाके अब मैं क्या करूँगा, इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब इसको पता चल जाना चाहिए कि मैनिफेस्ट लग चुका है। ओके, थीम कलर इसने डिटेक्ट कर लिया। Okay. अच्छा, यहाँ पे इसने ये कलर अप्लाई किया हुआ है यार, एक नोट कर रहे हो? हाँ, सही है, इसी का कलर हो, ये बैकग्राउंड। हाँ, हालांकि नहीं यार, ये तो मेरी इसमें आइकन में इमेज का कलर ऐसा है। हाँ, इमेज का कलर है ही ऐसा, और जब मैंने डाउनलोड किया था वहाँ पे भी इमेज का कलर ऐसा था क्या? हाँ, इमेज के कलर में ये था। सही है, ओके, गॉट इट। सही है जी, तो मैनिफेस्ट मेरा क्या बन चुका है, रेडी हो चुका है। लेकिन अभी मैनिफेस्ट बनाने के बाद भी मेरे पास डाउनलोड का बटन यहाँ पे नहीं आ रहा है। सही है, डाउनलोड का बटन बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा। मैनिफेस्ट हमारा ये कह रहा है कि भाई 20 out of 26 ना आपका कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा अभी क्या क्या चीज़ मिसिंग है वो ये बता रहा है। कह रहा है कि आइकन हैव एटलीस्ट 1 icon विद पर्पस एनी। ठीक है, पर्पस करके आपको कुछ लगाना है इसमें, एनी करके। तो भाई हमने आइकन यहीं से जनरेट किया, इन्होंने एनी करके कुछ नहीं दिया, तो भाई हम भी नहीं लगा रहे। मैनिफेस्ट इंक्लूड प्रेफर रिलेटेड एप्लीकेशन फील्ड। ठीक है, रिलेटेड एप्लीकेशन फील्ड और रेटिंग आईडी, शेयरिंग टैग, डिस्प्ले ओवरराइड, ये चीज़ें कह रहा है कि इसमें होनी चाहिए लेकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो ये बता रहा है।
तो मतलब सही है, रेड नहीं हुआ हुआ, येलो हुआ हुआ है। अच्छा अब हम चलते हैं, यार ये दोबारा लोड होने लग गया ना। अब हमें चाहिए सर्विस वर्कर। अच्छा सर्विस वर्कर क्या होती है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसमें ये सारी लॉजिक्स लिखी हुई होती हैं कि जब इंस्टॉल का बटन एक तो दिखाया जाए और इंस्टॉल के बटन पे जब क्लिक हो तो हो क्या पीछे ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो इस वक्त ये रेड हुआ है, सर्विस वर्कर नहीं है मेरे पास। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो ये क्या बता रहा है कि एक चीज़ है, डज़ नॉट हैव सर्विस वर्कर एट ऑल। ठीक है, रेकमेंड ये है कि डज़ नॉट वर्क ऑफलाइन। ठीक है, इसको ऑफलाइन भी अगर काम करे तो सही है। दो चीज़ें ऑप्शनल है, डज़ नॉट पीरियोडिक सिंक विद रिच ऑफलाइन एक्सपीरियंस, डज़ नॉट बैकग्राउंड सिंक विद द रिच ऑफलाइन एक्सपीरियंस। के मतलब एक तो ऑफलाइन मेरे पेजेस सेव होंगे और हर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वो पीरियोडिकली चेक करेगा सर्वर पर कि ये सर्वर चेंज तो नहीं हो गया। अच्छा जनरेट सर्विस वर्कर फाइल पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस आ गए। ठीक है, ये कोड है, रेडीमेड कोड है ये सर्विस वर्कर का। सबसे पहले ऑफलाइन पेज, ऑफलाइन पेज में क्या होता है कि दिस सिंपल बट एलिगेंट सोल्यूशन पुल्स अ फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर कॉल्ड ऑफलाइन डॉट एचटीएमएल, मेक श्योर द फाइल इज एक्चुअली देयर and serves whenever network connection cannot be made। कह रहे हैं कि जब भी आप इस पेज को लोड करोगे ना, इस वेबसाइट को खोलोगे आप, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन आगे पीछे हो गया कहीं, तो आपकी ऐप नहीं खुलेगी बल्कि एक दूसरा पेज खुलेगा ऑफलाइन डॉट एच टी एम एल का। उस पेज में आप कुछ भी लिख दो और वो पेज आप मेक श्योर करो कि बना दो। ठीक है, तो ये फाइल इसके लिए, ऑफलाइन पेजेस विद कॉपी ऑफ पेजेस। ये सेकेंड वाला जो है ना, इसमें क्या होता है कि ये ऑफलाइन पेज भी होगा और पेजेस को कॉपी भी करेगा ये। हाँ, तो उससे होगा क्या है कि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं, जैसे जैसे बंदा उस पेज पे जाएगा ना, उस पेज की एक कॉपी वो कैशे में भी सेव कर लेगा। okay. और अगली दफ़ा वो पेज खोलने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा यूआरएल लिखता हूँ जो पेज मैंने पहले नहीं खोला, तो फिर वो ऑफलाइन वाला दिखा देगा। सही है, और जैसे ही इंटरनेट आएगा तो वो पेज फिर शो भी कर देगा। तो मेरा ख्याल है ये वाला हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। अच्छा, तीसरा वाला जो है वो कॉपी ऑफलाइन, ऑफलाइन कॉपी विथ बैकअप ऑफलाइन पेजेस। ठीक है, अब ये इसमें क्या करेगा, अ कॉपी ऑफ ईच पेज इज स्टोर्ड इन कैशे एज यू विजिट। अच्छा, ये तो ये वाला था ना, एक्सपेंड द ऑफलाइन कैपेबिलिटी, कॉपी ईच पेज स्टोर्ड कैशे एज यू विजिट। अच्छा, इसमें ये फीचर भी और आगे भी कुछ है, एनी प्रीवियसली यूज्ड बाय व्हाइल देयर ऑफलाइन दिस देन एड्स ऑफलाइन पेज दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज द मैसेज एंड एक्सपीरियंस इफ ऐप इज ऑफलाइन। सो ये तो मेरे ख्याल में दरमियान वाला हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। ओके, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आके डाउनलोड सर्विस वर्कर का बटन दबा देते हैं। तो ये सर्विस वर्कर मेरे पास क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। सही है, सर्विस वर्कर डाउनलोड हो गया मेरे पास। कहाँ पे आ गया, डाउनलोड्स के फोल्डर में आ चुका है। कहाँ चला गया, ये रहा। सही है, हालांकि इसको लास्ट में आना चाहिए, पता नहीं कि ये टॉप पे क्यों आ रहा है। मतलब जो भी नई फाइल है उसको लास्ट में आना चाहिए, लेकिन ये लास्ट से एक ऊपर पता नहीं क्यों आ रहा है। यहाँ से देखता हूँ उसको, कॉलम्स और डेट एडिट, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, पता नहीं काम नहीं कर रहा सही है। वेल, इस PWA का जो ये सर्विस वर्कर है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के कहाँ ले आता हूँ, मैं अपने PWA के फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ उसको। सही, क्योंकि PWA रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके मैं इसको sw.js कर देता हूँ। ठीक है, नाम शॉर्ट कर देता हूँ मैं इसका। अब इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो कि रेडीमेड है, और अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये तो सर्विस वर्कर बन गया, इस सर्विस वर्कर को अटैच कैसे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। इधर मैंने क्लिक किया, ये मुझे लेके चला गया सर्विस वर्कर पर, और यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि ये इस तरह से इसको अटैच करना है। कॉपी किया ये मैंने, और इसको ला के मैंने HTML की फ़ाइल पे लगाना है इस चीज़ को। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमेशा कहाँ कोशिश करते हैं ऐड करने की, बॉडी के बाद, तो हम इसको भी बॉडी के बाद लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट का टैग डबल हो गया,
ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर इज़ नॉट अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा ब्राउज़र तो नहीं है जो सर्विस वर्कर को सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है, जस्ट ये बात चेक कर रहा है और इसको कहता है कि भाई नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर डॉट रजिस्टर एस डब्ल्यू डॉट जी एस, ठीक है, एस डब्ल्यू डॉट जी एस से पहले मैं डॉट स्लैश और पी डब्ल्यू ए लगाऊंगा और स्लैश करके ये लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जो ये फाइल पड़ी हुई है रूट पे नहीं है, ये पी डब्ल्यू ए के फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, सही, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब ये मुझे कहाँ पे दिखेगा, ये लोकल चल रही है मेरे पास ऐप, इसमें एप्लीकेशन में मैनिफेस्ट दिख गया, उसी के नीचे सर्विस वर्कर का एक ऑप्शन आ रहा है, सर्विस वर्कर इस वक्त यहाँ पे खाली है, ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सर्विस वर्कर यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है, ये सर्विस वर्कर आ गया और ये ग्रीन का मतलब है कि ये चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, और इंस्टॉल का बटन नहीं आया मेरे पास, इंस्टॉल का बटन क्यों नहीं आया भाई, एक मिनट, इंस्टॉल का बटन, इंस्टॉल का बटन आता है इस वाले कोड से ना, ये पता नहीं उन्होंने लगाया ही नहीं है इसके अंदर, तो मैं इंस्टॉल वाला अलग से कॉपी कर लेता हूँ, सही है, इंस्टॉल का जो कोड है ना वो ये वाला है, इतना कोड है इंस्टॉल का, वो इन्होंने पता नहीं इसमें लगाना भूल गए शायद, तो मैं हाथ से लगा देता हूँ अलग से, एस डब्ल्यू डॉट जी एस में गया और यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल वाला ये ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने कहा भाई जब इंस्टॉल का बटन दबाया जाए तो आप क्या करो, जो केशे है मेरा यानी पी डब्ल्यू ए बिल्डर ऑफलाइन के नाम से, उस केशे में सारी पेज सारे पेजेस को आप लगा दो, अरे नहीं उस्ताद ये तो इन्होंने ऑफलाइन पेज वाला बनाया है, इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि भाई अगर इंस्टॉल का बटन दबाएं तो आप क्या करो केशे के अंदर जाके और केशे में क्या ऐड कर दो, ऑफलाइन पेज ऐड कर दो, ऑफलाइन पेज का मतलब होता है कि एक एचटीएमएल का अलग से पेज बना होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं कहता हूँ स्लैश, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ये स्लैश पे जितने भी हैं ना वो सारे आप ऐड कर दो, तो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता, यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इंस्टॉल का, अच्छा सर्विस वर्कर एक बार रजिस्टर हो जाए ना उसको अनरजिस्टर का बटन दबाना पड़ेगा मुझे होपफुली, और उसके बाद ये नए सिरे से उसको लोड करेगा, इंस्टॉल का बटन शो नहीं हो रहा भाई, इंस्टॉल का बटन शो नहीं हो रहा है, मैं इसको बंद करके ज़रा नए टैब में ओपन करता हूँ, क्या बकवास है यार, इंस्टॉल का बटन ही नहीं आ रहा इसमें, एक काम करते हैं इनका ये दूसरा वाला उठाते हैं फाइल, पता नहीं उसमें क्यों नहीं आ रहा, ये जो लास्ट वाली सबसे फाइल है ना ये उठाते हैं, अच्छा भाई तो भाई ये रेडीमेड सर्विस वर्कर की जो फाइल है ना ये और भी लोगों ने बना बना के रखी हुई है, जो यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक वर्क बॉक्स के नाम से एक है, वहाँ पे से ये उठा के ला रहे हैं, वर्क बॉक्स सर्विस वर्कर, अगर हम इसको अलग से देखना चाहें, वर्क बॉक्स सर्विस वर्कर अगर अलग से लिखें हम, तो ये गूगल वालों का शायद कोई है मंजन वर्क बॉक्स सर्विस वर्कर में, ठीक है, तो ये इन्होंने अटैच किया हुआ है इसमें, ठीक है, 5.1.2, अच्छा ये 6.4 आ चुका है, अब नया वाला आ चुका है, अच्छा इम्पोर्ट स्क्रिप्ट आप लोगों को पता है क्या चीज़ होती है, इम्पोर्ट स्क्रिप्ट जो इसमें लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये नई वाली जावा स्क्रिप्ट है, पहले तो ये होता था ना कि HTML की फाइल में हम जावास्क्रिप्ट अटैच करते थे, अगर चार जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उन चारों को एचटीएमएल फाइल में अटैच करते थे, अब इम्पोर्ट स्क्रिप्ट के आने के बाद क्या हुआ है कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें एक दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच कर सकता हूँ, तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये इस कह रहे हैं इस यूआरएल पे जाओ,
इस URL पे जितनी भी जावा स्क्रिप्ट है ना, देखो यहाँ खोलूंगा एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है एक्चुअली, कह रहे ये फाइल उठा के ना इधर ला के अटैच कर दो। तो गोया के इसको लगाने के बाद ऐसा है कि यहाँ पे ये लाइन खुद हट जाएगी, जब ये कोड चलेगा इसकी जगह पे जो जावा स्क्रिप्ट आएगी ना 6-7 लाइन की, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ये होगा एक्चुअली, सही है। तो ये वर्क बॉक्स का एक जो है ना सर्विस वर्कर इन्होंने लिखा हुआ है पहले से, और वो ये बता रहे हैं इस तरह करके होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, बजाय अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखने के, अपना बनाने के, ये उन्होंने वर्क बॉक्स वाला लगाना बता दिया। तो थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करके देख रहे हैं कि क्या होता है। वेल नहीं, वो एक बार खुला हुआ होगा ना पेज आपका, तो उस पे ये होगा। अदरवाइज तो अगर आपने एक दफ़ा भी नहीं खोला अपना पेज तो फिर थोड़ी पता चलेगा उसको। एक दफ़ा पेज आपका ओपन होना चाहिए पहले, उसके बाद ही ये काम करेगा। यार पता नहीं इंस्टॉल का बटन ही नहीं आ रहा, क्या बकवास है। तो हम ना इनका ये दूसरा वाला सर्विस वर्कर उठा लेते हैं, सही है, दूसरा वाला सर्विस वर्कर उठाते हैं इनका। कॉपी, और कॉपी करके हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने पेस्ट किया तो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑफलाइन फॉलबैक पेज का एक HTML की एक फाइल का नाम लगाया है उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे एक नई एक फाइल बना लेंगे, मैं बोलूँगा offline.html, ठीक है। और इस offline.html में मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक H1 लगा दूँगा कि URL offline, सही है। प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन, सही है। शायद मुझे इसमें हेडिंग दो लगानी चाहिए, एक मैं H1 में लिखूँगा URL offline, और यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर दूँगा, और फिर नीचे H2 में ये दूसरी बात लिखूँगा मैं, सही है। H2 में भी लिख सकता हूँ मैं, या शायद एक मैं H पैराग्राफ में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं H4 कर देता हूँ, ठीक है। इस फाइल को अगर मैं अलग से खोल के देखना चाहूँ ये कैसे दिख रही है, तो गो लाइव का बटन दबा के मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगी है फाइल मुझे, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया वापस, और ये जो offline.html है इसका नाम मैं यहाँ पे ला के क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, मैं कहता हूँ .offline.html, ठीक हो गया। तो अच्छा, ऊपर ये कमेंट में एक स्लैश कम है, सही है। तो मैंने एक दूसरा सर्विस वर्कर उठा लिया, जो इन्हीं का ही है, एक रेडीमेड सर्विस वर्कर, वो उठा लिया क्योंकि वो पहले वाले में इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा था। अनरजिस्टर किया मैंने सर्विस वर्कर इसका, और एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड दोबारा दबाया। यार ये क्या बकवास है, इंस्टॉल का बटन ही नहीं आ रहा। Somehow मुझे लग रहा है ये सर्विस वर्कर चल ही नहीं रहा। मे बी मेरा ब्राउजर ना स्टक हो गया। अगर मैं यही URL किसी और पे खोलूँ, अगर मैं कॉपी करता हूँ उसको और मैं उसको सफारी पे तो खैर वैसे भी नहीं आता, किस पे ओपन करूँ मैं, फायरफॉक्स पे ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये मेरा ब्राउज़र ना स्टक हो गया। मैंने सर्विस वर्कर को सही तरह अटैच तो किया ना यार, कहाँ गया मेरा सर्विस वर्कर, sw.js इंडेक्स pwn/sw.js, सही तो किया अप्लाई मैंने यार, इधर भी नहीं आ रहा उसका बटन ना, फायरफॉक्स में भी नहीं शो कर रहा। तो उसका मतलब है फायरफॉक्स का वो ब्राउज़र का इशू नहीं है, मेरा ही कोई प्रॉब्लम है। इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ यह फाइल लोड होती भी है कि नहीं होती। अच्छा, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस वर्कर की फाइल ना लोड नहीं हो रही है। हाँ,
इसका मतलब है वो लोड ही नहीं हुई सर्विस वर्कर की फाइल। अब सर्विस वर्कर की फाइल क्यों नहीं लोड हो रही है भाई? इफ टाइप ऑफ नेविगेटर डॉट दिस डॉट दिस, ये क्या बकवास है, क्यों नहीं लोड हो रही है? टाइप ऑफ सर्विस वर्कर इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड पे इसने लगाया ना, कि अगर ये अनडिफाइंड ना हो तो फिर कर दो आप। सही तो है सब कुछ यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक ही सूरत हो सकती है कि टाइप ऑफ सर्विस वर्कर अनडिफाइंड आ रहा हो तो इसको कंसोल करा लेते हैं। सही है, देख लेते हैं अनडिफाइंड आ रहा है क्या पता। अच्छा टाइप ऑफ सर्विस वर्कर तो आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है टाइप ऑफ सर्विस वर्कर में। ओके गॉट इट। नहीं यार शायद मुझे यहाँ पर डॉट स्लैश नहीं लगाना है, मे बी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यार कुछ ज़्यादा ही एरर नहीं आ रहे हैं बिना वजह वाले? सब कुछ सही है यार यहाँ पर। मैनिफेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर भी सही आ रहा है। देख लेता हूँ इसमें, इसका ज़रा डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं हम कि इसमें कैसे लगाया जाता है ऑफिशियली रजिस्टर सर्विस वर्कर ना। स्क्रिप्ट यूआरएल ऑप्शंस, इसका एग्जांपल भी इन्होंने बताया होगा यहाँ पे। इस पर एक डॉट देन भी लगता है तो डॉट देन लगा के देख लेते हैं। ठीक है ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे ना जब इसको रजिस्टर कर लोगे ना तो उस पर डॉट देन मिलेगा आपको एक। सही है तो डॉट देन में ज़रा हम चेक कर लेते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। अगर ये डॉट देन में सर फोल्डर से पिक कर रहा है, फोल्डर नहीं वो चल ही नहीं रहा, ये कोड ही नहीं चल रहा। कहाँ चला गया? अनरजिस्टर कर देते हैं यार ये लोग। सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन सक्सीड। अबे यार ये तो सर्विस वर्कर तो सही रजिस्टर हो जा रहा है, इंस्टॉल का बटन क्यों नहीं आ रहा फिर? हाँ ना यहाँ पे छोटा सा इंस्टॉल का बटन आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, एस डब्ल्यू डॉट जे एस को ना ज़रा रूट पे ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। सही है किसी किस्म की वो इनकन्वीनियंस से बचने के लिए मैं इसको रूट पे ला के इसको ट्राई करना चाह रहा हूँ एक दफ़ा, कि नहीं इसका ऐसा तो नहीं है कि रूट पे रहने की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अच्छा अभी उसको ऑफलाइन का वो नहीं मिल रहा होगा ना रूट पे आने की वजह से, ऑफलाइन को भी मैं रूट पे ले आता हूँ। सही है और यहाँ पे ऑफलाइन का जो ये पेज लगाया है ना ऑफलाइन पेज, ओके सही है अब तो मिल जाना चाहिए उसको। अब आ गया बटन इंस्टॉल का, ऑफलाइन का पेज नहीं। मैं सर्विस वर्कर और ऑफलाइन दोनों को अगर अंदर ले जाऊं तो ऑफलाइन पे सर जहां पे आपने करवाया था वो पीडब्ल्यूए के फोल्डर में ही था ना वो, वो सो जस्ट हो सकता है।
1 मिनट, इन दोनों को मैं वापस लेके जाऊंगा उधर। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि सर्विस वर्कर जब चलता है तो वो एक्चुअली रूट पे चलता है, नहीं ये जो ऑफलाइन पे पेज है तो ऑफलाइन के पेज में एक्चुअली PWA लगेगा, स्लैश करके लगेगा, ये चक्कर है। अच्छा अभी इसको यहाँ भी चेंज कर देता हूँ ना फ्रंट एंड पे, मैं कह देता हूँ PWA/। इसको अनरजिस्टर किया, अभी एरर इसमें किस चीज़ का आ रहा है, एग्जीक्यूट फेल्ड कैशे 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 दिस। ये तो सही लगा है ना, और SW पेजेस में मैं ./offline लगा देता हूँ क्योंकि इधर ही है। अब सब कुछ सही है लेकिन वो नहीं शो कर रहा है, तो इसका मसला यही है कि रूट के ऊपर ही चलेगा ये। नहीं वो चल ही नहीं रहा यार, देखो तो सही, तुम नेटवर्क में जाके ना, अनरजिस्टर किया मैंने, नेटवर्क पे गया और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अच्छा SWDJS तो इसने पकड़ा है अभी इस दफ़ा, ऑफलाइन का पेज भी पकड़ लिया सही इसने, तो मिल सब कुछ रहा है इसको, मिल सब कुछ रहा है इसको, लेकिन बटन नहीं दे रहा ऊपर ही। हाँ नहीं ये रहा ना, देखो ना फाइल मिल रही है इसको, ये देखो तो सही तुम, localhost 500.pwoffline.html, ये पेज उठा लिया इसने हाथ के हाथ। सर लेकिन ये 5001 उसके बाद वेब के अंदर जाना चाहिए ना, वेब के अंदर PWA। हाँ नहीं मिल रहा है इसको, मतलब ऐसे भी मिल रहा है इसको, देखो ना मिला है, सब कुछ मिला है इसको, इसको सब कुछ मिल गया भाई, मिलने का इशू नहीं है। बस अब मैं रूट पे लाऊंगा तो ये वापस सही चलने लग जाएगा, तो मेरा आइडिया ठीक था कि ये रूट पे होने की वजह से इसको मसला हो रहा है। ऑफलाइन का हाँ ये सही, वैसे इसने बात बोली है कि क्या ऑफलाइन का पेज भी मुझे रूट पे लाना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है नहीं, ऑफलाइन का पेज रूट पे लाना, लेकिन अब PWA/ मैंने ऑफलाइन दे दिया इसको यहाँ पर, और इंडेक्स पे मैंने कहा कि भाई क्या हो जाओ डायरेक्ट है SW.js। आगे इंस्टॉल का बटन नहीं, मतलब सिर्फ सर्विस वर्कर की जो फाइल है ना वो रूट पे होना ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चला। यार मेंशन की होगी इन्होंने कहीं डॉक्यूमेंट में, वो हमने अभी तो उस तरह से नहीं देखा ना पूरा, मैं तो अभी ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको मैं करता जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है ना, फिर लंबी कहानी है। अच्छा इंस्टॉल का बटन मैंने प्रेस किया तो देखो ये आइकन बना हुआ आ रहा है दराज का, और ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको ऐसे नहीं करता इंस्टॉल, मैं साइक्लिक पे पुश कर देता हूँ तमाम कोड, ठीक है। मैंने कहा कि यार इंस्टॉल, हाँ सर ये फ्रंट एंड पे बनाना नहीं है क्या चीज़, जो इंस्टॉल का बटन है अगर हम चाहें फ्रंट एंड पे नहीं बना रहे हैं, अपना कस्टमाइज बटन इंस्टॉल का बना के रखा हुआ हमारी पेज के ऊपर, यूजर उसके ऊपर क्लिक करे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं कर सकते हैं। असल में ना एक HRF का लिंक होता है, ये जो इधर क्लिक करके इंस्टॉल दबा रहे हैं ना, ये HRF का एक लिंक होता है, वो उससे भी इंस्टॉल हो जाता है। एक मिनट हम देख लेते हैं ना, PWA इंस्टॉल HRF लिंक लिखूंगा ना तो वो लिंक आ जाएगा। क्रिएट एक्सटर्नल इंस्टॉल बटन फॉर PWA, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है, ये हाँ जवाब नहीं दिया किसी ने। ओन बटन प्लस HTML, ये मैंने देखा है कई जगहों पे, क्या सवाल था इसका, PWA इंस्टॉलेशन ओन बटन इंस्टॉल इन जावास्क्रिप्ट HTML CSS।
ये आ गया ना, कह रहा फर्स्ट यू योर कोड लुक्स फाइन बट यू ओनली नीड टू इम्प्लीमेंट दिस पार्ट. अच्छा, फर्स्ट यू नीड टू यूज दिस कोड टू लिसन टू द बिफोर इंस्टॉल प्रॉम्प्ट इवेंट, डेफर्ड प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर बिफोर इंस्टॉल प्रॉम्प्ट. और इसने प्रीवेंट कर दिया. ये शायद ये वाला काम करके ना इसने क्या किया, उस बटन को रोक दिया जो ऊपर आता है ना बटन, उसको रोक दिया इसने. और यहाँ पे इसने फिर अपना इंस्टॉल बटन बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके, और उस पर एड इवेंट लिसनर क्लिक लगा दिया, और क्लिक के ऊपर डेफर्ड प्रॉम्प्ट डॉट प्रॉम्प्ट लगाया. अभी डेफर्ड प्रॉम्प्ट कहाँ से आया है? अच्छा अच्छा, ये उस इवेंट को इसने सेव कर लिया था अलग से, मतलब ना सेव करके रख लिया था. अच्छा, ये दिस पार्ट जो इसने बोला ये क्या बोला है? सेव द बिफोर इंस्टॉल फ्रॉम दिस दिस दिस. इसका वैसे एक एंकर टैग का भी लिंक आता है जिससे हम ये काम कर सकते हैं. सबने इसी तरह ही बताया है, उसको रोक कर उसको इवेंट ले वो कॉपी. हां, सबने इसी तरह बताया है. सर अगर दोनों लगाएंगे तो काम नहीं करेंगे? इसने असल में ये प्रीवेंट डिफॉल्ट किया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रीवेंट डिफॉल्ट करें. करके देखते हैं इसको, ट्राई क्या होंगे, मसला थोड़ी रह गई. ओके, यही इसमें जहाँ पे रजिस्टर होता है ना, ये उसी के नीचे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कि भाई क्या करो आप, डेफर्ड प्रॉम्प्ट करके बिफोर इंस्टॉल प्रॉम्प्ट को ना रोक दो, देखते हैं इससे वो वाकई रुक जाता है या क्या होता है. और फिर मेरे पास कह रहा है कि एक बटन होगा, सही है. अब ये बटन जो है इंस्टॉल के नाम से एक बटन होगा, वो मैं बना देता हूँ अपने फ्रंट एंड में. अच्छा, यही तो मेरा फ्रंट एंड है. फ्रंट एंड में ना टॉप पे मैं बना देता हूँ एक बटन इंस्टॉल के नाम से. इंस्टॉल पी डब्ल्यू ए कर दिया मैंने, और इसको मैंने आईडी दे दी कि भाई आपका इंस्टॉल है, सही है. तो इसी पे ये फिर रजिस्टर हो जाएगा इंस्टॉल करके. तो देखते हैं फिर ये क्या करता है. इसको पुश तो मैंने, वो उतना कोड तो मैंने पुश कर दिया. ये हम लोकल पे अभी ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है. इसको मैंने अनरजिस्टर कर लिया एहतियातन, ठीक है. अब बटन, अच्छा यहाँ पर दबाने से तो ये चल रहा है अभी भी, ये रुका नहीं है. अच्छा, ये इस क्लिक से भी यही बटन ही आ रहा है एक्चुअली इस पर. ये वही है जो मैं बता रहा था ना, तो मैं एच एफ का लिंक होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि एच एफ का लिंक होता है, वो असल में ये होता है. और इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है. ये ऐप इंस्टॉल होगी, ओपन भी हो गई मेरे पास, ठीक है. अब मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ? अब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा जैसे मैं दराज डॉट ऐप करके ओपन होता है ना जैसे मेरे पास, और मेरे मेन मेन्यू में भी ये शो हो रहा हो, ये रश हो गया मेरे मेन मेन्यू में. डेस्कटॉप आ गई, बिल्कुल डेस्कटॉप की ऐप की तरह खुला है ये. कोने में इसका देखो यूआरएल आ रहा है, गायब हो गया जैसे उसका आ रहा था. कुछ गूगल क्रोम की डिटेल्स आ रही हैं. हॉपस्कॉच इसी तरह खुला था ना थोड़ी देर पहले, हॉपस्कॉच मैंने बताया था जो लास्ट. तो हाँ, अभी मोबाइल पर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. अभी मोबाइल का भी अपना एक बन जाना है. अच्छा, ऐड प्रोडक्ट किया मैंने, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हुई नहीं, वो तो असल में नहीं, ये मैं समझ गया. अच्छा, हो गई ऐड, हो गई ऐड, सही है, ये ऐड हो गई. लेकिन ये क्या हो रहा है, कहीं और ऐड हो जाती है क्या नीचे? नहीं सर, लेट हो रहा है थोड़ा सा, डबल क्लिक तो करो. ये क्यों? एक मिनट, मैंने कहा भाई न्यू एंट्री, सही है. प्राइस 1, 2, 3, कैटेगरी ABC, और डिस्क्रिप्शन में ये लिखा मैंने. अब मैं ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाता हूँ, योर प्रोडक्ट इज सेव्ड, और वो रिफ्रेश पे जो आ जा रही है. अच्छा, रिफ्रेश पे आ रही है, तो काइंड ऑफ रिफ्रेश साइज इस पर सही काम नहीं कर रहा. अच्छा, ये मेरे नॉर्मली मेरे पास चल रही है क्या रिफ्रेश इस तरह? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल भी हो सकता है, मैंने ये लगाया ही ना इसमें. अच्छा,
हो सकता है ना, 5001 एंटर। अच्छा इसमें क्या, अगर मैं कोई नई एंट्री करता हूँ यहाँ पे तो वो क्या फ़ौरन अपडेट होती है? नहीं होती ना। देख लेते हैं, अपनी लॉजिक चेक कर लेते हैं, लॉजिक हमने जो लगाई है वो हम चेक कर लेते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होता है तो गेट ऑल प्रोडक्ट चलता है उसके बाद। अच्छा तो मे बी ये हो रहा है हमारे पास कि वो बहुत जल्दी चल जा रहा है गेट ऑल प्रोडक्ट, जब तक सर्वर जो है वो ला ही नहीं पा रहा उतना डेटा। सही है, शायद इस तरह का कुछ हो रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे ना, गेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर हम एक कंसोल लगा देते हैं कि गेट ऑल प्रोडक्ट। सही है, गेट ऑल प्रोडक्ट मैंने ऐसे करके लगा दिया। अंदर वाली जो चीज़ें हैं कंसोल वाली, उसको मैं रोक देता हूँ ताकि एक ही कंसोल आए हमारे पास। अच्छा नहीं, इसको भी रहने देते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एम्प्टी कैश है, हार्ड रीलोड, रिफ्रेश हो गया, ये सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, अभी तो सही आ गया। अबे सही चलने लग गया। इसको पता चल गया कि समवन इज वॉचिंग। वेल मैं इंस्टॉल पी डब्ल्यू है दोबारा दबाता हूँ इसका, और ये मुझे, अच्छा ये मुझे अब इंस्टॉल के बटन की वजह बता रहा है कि ये पहले से इंस्टॉल है, तो इसने यहाँ खोल दिया। अभी इस पर मैं यही चीज़, सेम चीज़ चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल आर से रिफ्रेश होता है, सही है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ए ए करके लिखा और एड प्रोडक्ट दबाया, नहीं आया ना, ए वाला नहीं आया। ला तो रहा है ये डेटा, लेकिन ये बहुत जल्दी ले आ रहा है, शायद उस वक्त तक जो है ना वो आया हुआ ही नहीं है। देख रहे हो ये ए वाला आया हुआ ही नहीं है। अगर मैं अभी जेड जेड इसमें लिखूं और मैं क्या करूं, इसको ऐड प्रोडक्ट दबाऊं तो गेट और प्रोडक्ट चलता है, लेकिन वो इतनी, हाँ ऐसा ही है, सही है। नेटवर्क में मैं अगर इसको देख लेता हूँ जाके, ओ ये मुझे समझ आ गया क्या हो रहा है। ये असल में ये होता है कि अगर आप सेम रिक्वेस्ट मारते हैं ना तो वो केशे में उठ के आती है। ये पी डब्ल्यू ए का फीचर है। अच्छा ये कौन से वाले पार्ट से हो रहा है वो भी समझ लूँ। ये जो फैच का जो रैप है ना, इससे हो रहा है ये। अगर इसको हटा देंगे हम तो ये काम होना बंद हो जाएगा। सही है, इस वाले को मैं हटा दूँ ना अगर मैं, तो ये काम होना बंद हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक फ़ीचर है, लेकिन ये एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। सही है, ये एक फ़ीचर है जो, अच्छा फ्रंट एंड पे भी ये हो रहा होगा, लेकिन वो हमें फ़ील नहीं हो रहा इतना ज़्यादा फ्रंट एंड पे। तो मैं काम करता हूँ, ये एप्लीकेशन में जाके इसको अनरजिस्टर करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर, ये इंस्टॉल हुई भी ऐप चला रहा हूँ मैं एक्चुअली। सही है ये नए सिरे से रजिस्टर हुआ मेरा सर्विस वर्कर, और अब मैं यही सेम चीज़ ट्राई करता हूँ दोबारा। हाँ इंस्टॉल जो उसी से उठा रहा है ना, वो पेज तो मेनली उसी से ही उठा रहा है। ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया तो अब सही चला ये। सही है, अब ये हर दफ़ा जाके वहाँ से लेकर आ रहा है। अच्छा जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उस रिक्वेस्ट में भी हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इसको केशे से नहीं लाना आपने। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हुए ये बात हम कैसे मेंशन करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये जो है ना गेट करके जो URL हम भेज रहे हैं, तो ऐप डॉट गेट में ना कॉमा करके हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सही है, आई होप सो। सही है, और इसमें मैं बोलता हूँ केशे, एक मिनट यार, ये एक्सियोस की डॉक्यूमेंट्स में से देख लेते हैं, एक्सियोस नो केशे करके कैसे बताएंगे उसको। ये कह रहा है भाई हेडर्स में आपको ये देना पड़ेगा ऐसे। सही है, तो हम ये पूरा हेडर उठा लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह करके ना आप इसको भी बता सकते हैं
कि भाई ये आपने नहीं करना केशे इसको। सही है, हमने हेडर में बता दिया केशे कंट्रोल नो केशे प्रैग्मा। अब मैं सर्विस वर्कर के इसको वापस लेकर आ जाता हूँ, जो हमारा ये था ना जिसको हमने रिमूव किया था उसको मैं वापस लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा वो मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अनरजिस्टर और रिफ्रेश, ठीक हो गया जी। हमारा मसला वो सही हो गया, सही है, हमारा मसला वो सही हो गया। हमने क्या किया, उसका रैप तो रखा है उधर, लेकिन हमने ये बोल दिया कि भाई इस वाले का जो है ना आपने केशे से नहीं उठा के लाना। ठीक है जी, तो ये तो हमने इसको इधर इंस्टॉल करके देख लिया। अब इसको मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे हम ये भी ज़रा नज़र मार लेते हैं। अच्छा, ये नया वाला कोड भी मैं पुश कर देता हूँ साइक्लिक पे। नए वाले कोड में मैंने क्या किया, एक तो एक्सियोस पे ये चेंज मारा है, दूसरा इंस्टॉल का बटन ऐड किया है। अच्छा, इस इंस्टॉल के बटन पे भी मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक लॉजिक होती है कि ये बटन ना लॉजिकल हो जाता है कि इंस्टॉल हुई हुई ऐप में फिर ये बटन शो नहीं होता, ठीक है। एक लॉजिक होती है जावास्क्रिप्ट की, वो आप देख लीजिएगा खुद से, बहुत ईजी होती है वो, कि भाई इफ़ जो हमारा स्पेस है वो इंस्टॉल हुआ हुआ स्पेस है तो उस बटन को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये तमाम कोड मैं क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल बटन करके पुश कर देता हूँ इसको। हाँ, लोकल चल रहा था ना इसलिए चेंज हो रहा था, इंस्टॉल हुई थी ऐप में खुद ही चेंज हो रहा है। वो असल में इंस्टॉलेशन है नहीं, वो एक विंडो है ब्राउज़र की, समझ लो, और उसमें पेजेस जो हैं वो कैशे हुए हैं, तो इसलिए वो हमें लग रहा है कि वो फ़ौरन फ़ौरन खुल रहा है, समझ लो बात। वो असल में ब्राउज़र की विंडो है, दैट्स इट। 501 पे चल रही थी, लेकिन अब जो मैं खोलूँगा ना इसको, अब मैं इसको खोलूँगा उस पर, अब मैं साइक्लिक वाले URL से खोलूँगा। यहाँ पे मैं आके देखता हूँ कि ये नया वाला आ चुका है इधर कि नहीं आ चुका, साइक्लिक पे पहुँच चुका है अगर ये, तो फिर हम अब अगले पे मूव करेंगे इसके, ठीक है। अगर यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो साइक्लिक से तो फिर ये यहाँ पे चलेगा, साइक्लिक के URL से उठा रहा होगा, जब साइक्लिक पे चेंज होगा वहाँ भी चेंज हो जाएगा, सही है जी। तो अब हमारे पास ये क्या आ चुका है, सही है, इंस्टॉल का बटन आ गया मेरे पास और सर्विस वर्कर मेरे पास रजिस्टर हो गया प्रॉपरली। तो यहाँ पे से मैं इंस्टॉल करूँगा तो क्या होगा, ये इंस्टॉल का बटन यहाँ का आएगा, इसमें देखो URL ये वाला आ रहा है, पहले लोकल होस्ट आ रहा था, सही है। तो अब मैंने डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, उसको मैं उड़ा देता हूँ बल्कि ना डेस्कटॉप वाले को, मैं इसको कैसे उड़ाऊँगा। अच्छा, इसको मुझे अनइंस्टॉल करने के लिए पता है कहाँ जाना होता है, मुझे जाना होता है ये गूगल क्रोम की ऐप्स में, ये देख रहे हो यहाँ पे ऐप्स का एक बटन बना हुआ होता है, इस पे जाना होता है। यहाँ पे मुझे जितनी भी PWA इंस्टॉल है ना वो ये सारी PWA हॉप स्कॉच इसमें शामिल है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और मैं बोलूँगा भाई रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है, ऑल्सो डिलीट डेटा फ्रॉम दिस दिस दिस, और मैं रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है, तो ये रिमूव हो गई। अब मैं इसको नए सिरे से इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, ये मैंने क्लिक किया, ये क्या आता है भाई इसमें, अच्छा, और इंस्टॉल का बटन दबा दिया, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। क्या अब ये कौन सी वाली में इंस्टॉल हुई है, अपना साइक्लिक से इंस्टॉल हुई है अभी, सही है, प्रोडक्शन वाली जो ऐप है। अब मैं ऐप्स में जाकर देखूंगा तो ये मुझे अभी भी ये दिख रही है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास एज ए एप्लीकेशन खुल गई है, सही हो गया जी, एज ए एप्लीकेशन ही हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल PWA का बटन ऑब्वियसली अब काम नहीं करेगा, ये तो इंस्टॉल हुई भी ऐप है हमारी। चलिए, अब हमारे पास क्या है, और अब हमने इसको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। मोबाइल फ़ोन में ये इंस्टॉल कैसे होगी भला, कि ये वाला जो URL है ना, पहले तो अपने मैं मोबाइल फ़ोन को मिरर करूँगा इधर आपको दिखाने के लिए कि क्या दिख रहा है मेरे को इसमें। अच्छा, pwaexample.cyclic.app है ना, pwaexample.,  तो मैं ये करूँगा, अच्छा एक मिनट, स्टॉप, अच्छा जी, ये मेरे पास सफारी ब्राउज़र इसमें ओपन हुआ है और मैंने कहा pwa
example dot cyclic dot क्या था dot com था dot app go. तो मेरे पास ये क्या खुल चुका है क्या कहते हैं सफारी ब्राउज़र में यही ऐप ओपन हो चुकी है. अच्छा यहाँ पे मेरे पास आप देखें इंस्टॉल का ना कहीं पे प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा ठीक है. हाँ यहाँ पे भी मैं जाकर देखूँगा तो मेरे पास कहीं पे प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है इंस्टॉल का ना ठीक है. यहाँ पे भी जाकर देखूँगा तो कहीं पे मेरे पास इंस्टॉल का प्रॉम्प्ट कहीं पे भी नहीं आ रहा है. डेटा को अभी हम देखते हैं क्या मसला है. इंस्टॉल PWA का बटन दबाने से भी कुछ नहीं हो रहा सही है. इंस्टॉल PWA का बटन भी मैं दबाता हूँ तो भी उससे भी कुछ नहीं होता है. तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सफारी में जो है ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको गूगल क्रोम में ओपन करना पड़ेगा. तो ये इंस्टॉल PWA का ऑप्शन इसमें नहीं है. अच्छा सफारी में ऑन अदर हैंड क्या चीज़ है आपके पास ऐड टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा होता है. ये रहा ऐड टू होम स्क्रीन का ये बटन है मेरे पास. ये बटन मैं प्रेस कर दूंगा ना और ऐड का बटन दबा दूंगा तो क्या होगा ये मेरे पास ये देखो एक तो ओरिजिनल ऐप है ना दराज की 12-12 लिखा हुआ है ये हमारी वाली ऐप है पड़ोस में जो है. तो ये कुछ इस तरह से खुल जाता है ठीक है. ऐड टू होम स्क्रीन वाले फीचर के ज़रिए खुला है ये ठीक है. तो ये काइंड ऑफ PWA जैसा ही दिखता है लेकिन असल में ये उस तरह से PWA की सपोर्ट नहीं होती इसके अंदर. ये बुक मार्क है. अच्छा ये किसी भी वेबसाइट में हो जाता है इसके लिए PWA होना ज़रूरी नहीं है. ये सफारी का अपना एक फ़ीचर है. तो अब मैंने क्या करना है इसको अगर हमें स्टॉप करके गूगल क्रोम में डेटा भी आ रहा है. नहीं सफारी में भी डेटा आ रहा है. वो पहली दफ़ा में कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद. डेटा इसमें भी सही आ रहा है. अच्छा जी ये मैंने दोबारा से मिरर किया और मेरे पास यहाँ पे वो खुला हुआ है गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन हुआ है. यहाँ पे जाके मैंने लिखा कि PWA PWA एग्जांपल कैसे डॉट साइक्लिक डॉट ऐप. ठीक है जी. तो ये आ गया मेरे पास और इसमें भी इंस्टॉल का प्रॉम्प्ट तो नहीं आ रहा है कहीं पर. वो बटन से हो जाएगा. नहीं आता है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आता है इंस्टॉल का पता नहीं खुद से नहीं आ रहा क्या वजह. अगर इसको मे बी वो प्रिवेंट वाले फंक्शन की वजह से. पहले मैं इसको इंस्टॉल का बटन दबा के ट्राई करता हूँ. भाई ये क्या बकवास है यार. आ रहा है बटन आ रहा है तुम्हारे पास. अच्छा सही है लेकिन ऐड टू होम स्क्रीन से ही हो रहा है. आईफोन के अंदर एप्पल में शायद ये मसला नहीं. नहीं यार इसमें हो जाता है. मैं काम करता हूँ इसमें से वो हटा देता हूँ. मेरा जो हमारा ये मैंने कस्टम बटन लगाया था ना उसको मैं हटा देता हूँ. ये बटन की वजह से मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो रही है क्योंकि उसने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ था ना तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को क्या कर रहा है रोक रहा है एक्चुअली. और मैं ये जो डेफर प्रॉम्प्ट वगैरह ना इसको मैं हटा देता हूँ. सही है. और इसको हटा के मैं इसको पुश कर देता हूँ. अच्छा आपको अगर मेरे पास कोई ऐप मोबाइल फ़ोन पे चल रही हो ना तो उसमें हम क्या कर सकते हैं रिमोट डीबगिंग भी कर सकते हैं ये पता है आपको. लेकिन उसके लिए फ़ोन आपका केबल से कनेक्ट होना चाहिए क्रोम. सही है. रिमोट डीबगिंग एंड्रॉयड डिवाइसेस. ये कैसे होगा. स्टेप वन आप जाएंगे कॉन्फ़िगर ऑन डिवाइस के अंदर ना डिवेलपर ऑप्शन में और इनेबल करेंगे आप USB डीबगिंग. सही है. और फिर उसके बाद आप क्रोम में जाएंगे ऐसे इंस्पेक्ट डिवाइसेस करके जा रहे होंगे आप. ठीक है. तो यहाँ पे ना आपकी वो डिवाइस दिख रही होगी कि कौन सी डिवाइस को आपने क्या करना है वो करना है. कौन सी डिवाइस को आपने इंस्पेक्ट करना है.
तो देखते हैं हमारा क्या रिपोर्ट है इसकी। मेरे फ़ोन को अगर मैं केबल से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर रिमोट डिबगिंग के ऑप्शंस आ जाने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ मैं मोबाइल के ब्राउज़र में जो ये मेरे पास चल रही है इसका मैं वो सर्विस वर्कर तो मैं उड़ा नहीं सकता जो मेरे पास फ़ोन पे ऐप चल रही है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसका डिबगिंग इंटरफेस मुझे चाहिए। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया केबल से। यहाँ पे उन्होंने वो नहीं बताया भाई, ये यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ इसके के क्रोम आईफोन रिमोट डिबगिंग फॉर क्रोम ओएस सफारी। तो यार आईफोन पे तो बड़ा मुश्किल है ये काम। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर द कंसोल इंस्पेक्ट इट विल डिस्प्ले कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ये कह रहा है भाई इसमें तो बड़ा आसान है ये काम। कह रहा है आप क्रोम स्लैश इंस्पेक्ट में चले जाओ। मैं ये ज़रा लिख के देखता हूँ, क्रोम कॉलन स्लैश स्लैश और इंस्पेक्ट स्टार्ट लॉगिंग। वेल, ये काम नहीं कर रहा जो तरीका इन्होंने बताया हुआ। भाई मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। सेटिंग और आई हैव हैड सम सक्सेस विद दिस 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 इंस्टॉल प्रॉक्सी इंस्टॉल डिबगर एंड इंस्टॉल दिस इंस्टॉल दैट। भाई ये पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे पास तो ऐड टू होम स्क्रीन भी नहीं आ रहा ना गूगल क्रोम पर। किसी को कोई आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर मेरे सैमसंग में तो ठीक चल रहा बटन कैसा आता है तुम्हारे पास सैमसंग इंस्टॉल का? तो लाके दिखाओ मुझे। देखें इंस्टॉल के ऊपर करने पे सिंपल ही है। और नहीं बगैर इसके इंस्टॉल के फिर क्या आता है? बगैर इंस्टॉल के नहीं आता। एक मिनट इसको कट करो यहाँ से ज़रा, ये तो कुछ और मिल गया। सिंपल इसी तरीके से खोलो तुम वो वाला यूआरएल खोलो, PWA एग्जांपल।
खुद से प्रॉम्प्ट नहीं आता? नहीं, खुद से नहीं। इधर इंस्टॉल भी आना चाहिए, इधर इधर भी नहीं आ रहा। नहीं अबे ये तो इंस्टॉल हुई है ना पहले से, इसको अनइंस्टॉल करो पहले, यहाँ से उड़ाओ जाके। अब आना चाहिए वहाँ पे। इधर जाके रिफ्रेश करोगे इसको तो अब इधर इंस्टॉल का एक बटन आ रहा है, इंस्टॉल ऐप का बटन आ रहा है ना, और नीचे भी अब आ गया प्रॉम्प्ट, नीचे प्रॉम्प्ट भी आ गया। अच्छा मेरे पास ये चीज़ नहीं आ रही, आ गया तुम लोगों के पास? सबके पास इंस्टॉल हो गया, बस मेरे पास ही नहीं हो रहा है। नहीं एंड्रॉयड में तो सपोर्ट बेहतर है, ये मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, एंड्रॉयड में ना इसकी सपोर्ट बेहतर है काफ़ी। मैं एक दफ़ा सफारी पे एक दफ़ा और ट्राई करूँ, सफारी पे तो वैसे नहीं आता, ये तो मुझे आइडिया है, सफारी पे नहीं आता। क्रोम पे तो आना चाहिए मेरे पास ना, क्रोम पे मेरे पास वो भी नहीं आ रहा। क्रोम पे जो है ना मेरे पास ऐड टू होम स्क्रीन भी शो नहीं कर रही है। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि हिस्ट्री और केशे ज़रा क्लियर मार के देखूँ। भाई आईफोन पे किसी भी तरह से ना इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा। खैर मोबाइल में शॉर्टकट ही बंद कर रहा है। शॉर्टकट ही कर रहा है, ये शॉर्टकट हम करते हैं ना कि क्या कहते हैं ऐड टू होम स्क्रीन, शॉर्टकट नहीं करेगा भाई वो, बकायदा इंस्टॉल है। अपडेट ये बस ऐप, वेबसाइट जब अपडेट होगी तो ऑटोमेटिक अंदर अब नया वाला खुलेगा। नहीं नहीं अनरजिस्टर, वो असल में अनरजिस्टर फ़ौरन करने के लिए, वरना अदरवाइज़ वो ना उसका एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद ही वो अपडेट करता है, उससे पहले नहीं करता। मतलब मैं अभी अपडेट करूँगा ना तो तुम्हारे फ़ोन में थोड़ी देर में अपडेट होगा, तो मुझे फ़ौरन देखना है ना इंस्टेंटेनियसली, तो फिर मुझे उसको क्या करना होगा, अनरजिस्टर करना होगा मैनुअली। अच्छा यार अब लास्ट काम, आखिरी काम आप कर लेते हैं हम, कि इसका जो मेरे बने हुए PWA का ना स्टोर पब्लिश पैकेज जो है ना वो कैसे बनेगा, क्या उसको बोलते हैं यार, बड़ा अच्छा नाम है इनका, स्टोर पे पब्लिश करने वाला जो पैकेज होता है। प्ले स्टोर पर डालेंगे। हाँ तो सर ये दरास का लोगो लगा हुआ जली है, प्ले स्टोर पे थोड़ी डालेंगे अभी हम, अभी सिर्फ हम वो APK बना लेंगे अभी हम, जो स्टोर पे जा सके पब्लिश एबल, ठीक है। स्टोर पैकेजेस फॉर स्टोर इसको कहते हैं ये, ठीक है। तो हमारे सर्विस वर्कर में अब दोनों चीज़ आ गई हैं, एज अ सर्विस वर्कर वर्क ऑफलाइन, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी हैं। अच्छा पैकेजेस फॉर स्टोर का बटन दबाया मैंने, ये कह रहे किसके लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड, iOS के लिए। तो मैं सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए करता हूँ, जनरेट पैकेज। इसमें मुझसे दो तीन ऑप्शन पूछे हैं इसने, ऐप का नाम, शॉर्ट नेम और फुल नेम दोनों पूछा है इसने मुझसे, और मैंने डाउनलोड पैकेज का बटन दबा दिया। ये पैकेज मेरे पास APK फाइल बन कर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में, ठीक है। इसके अंदर एक इंस्टॉल कर सकते हैं और वो बाकायदा ऐप की तरह चलेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये PWA है। सही, अगर आपने प्रॉपर उसमें काम किया हुआ ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये PWA है या इंटरफेस इस तरीके का बना। हाँ क्योंकि पेजेस उसमें सारे ऑफलाइन होंगे, और क्या कहते हैं, जब वो ऐप खुलेगी तो आपका इंटरनेट जब क्लिक करेंगे तो इंटरनेट पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाती है। हाँ कोई ऐसी ऐप है ना जो बिल्कुल ही ऑफलाइन काम करती है, हाँ तो फिर तो वो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा उसको कि क्या है ये।
खुल जा भाई आज की ज़िंदगी में, हो जा जनरेट। अच्छा पैकेज इंस्ट्रक्शन ज़रा मैं देख लेते हैं जब तक, कि पैकेज इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास। अच्छा ये जो पैकेज है ना, आपको इसमें क्या क्या मिलता है? आपको इसमें मिलती हैं चार पांच चीज़ें मिलती हैं ना। अच्छा दूसरा ये कि जब आप इसको इसको जब आप किसी भी ऐप किसी भी जगह पे इंस्टॉल करेंगे ना आप इसको, चलो पहले ये ज़िप आ गई, इसी को ही पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है इस ज़िप में। डाउनलोड्स में गया, daraz.zip। अच्छा इसमें ना देखो क्या क्या चीज़ है मेरे पास। एक है मेरे पास दराज का APK, जो कि एक्चुअल APK फाइल है, और ये 500 KB की अराउंड है ये। अच्छा उसके अलावा मेरे पास है एक अदद साइनिंग की, ठीक है। ये एक की होती है, जब आप स्टोर पे कोई भी ऐप पब्लिश करते हैं ना, तो असल में वो इस की के ज़रिए पब्लिश होती है, ठीक है। और जब भी मतलब इस ऐप को आपने जब भी अपडेट करना होगा ना, वो ये की आपसे दोबारा मांगेगा। सही। भले आप अपना यूज़र नेम वगैरह भूल भी जाए ना, तो वो ये की असल में मेन चीज़ होती है, तो ये की आपने भूलनी नहीं होती। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ना, जब आप ऐप बना के कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें बाकायदा एक ऑप्शन होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, जिससे ये की बनाते हैं आप, या CLI टूल से भी बन जाता है की। अच्छा तो इस की को बनाते हुए ना, इसका एक पासवर्ड रखा जाता है, इसकी कुछ डिटेल्स होती हैं, वो यहाँ इन्फो में लिखी हुई है, ठीक है। इन्फो में लिखी हुई है कि भाई ये दिस की स्टोर फाइल जो है ना, इसका पासवर्ड जो है ये है, तो हाँ ये देखो पासवर्ड इसका ये है, और इसका एलियस ये है, की पासवर्ड ये है, फुल नेम जो है वो ये दराज एडमिन है, ऑर्गेनाइजेशन दराज है, और इंजीनियरिंग है, और कंट्री जो, ये इस तरह की चीज़ें सारी इसको बनाते हुए बतानी पड़ती हैं, तो वो यहाँ इन्होंने लिख दिया कि हमने बना भी दिया और पासवर्ड भी आपका सेट कर दिया, अब रख लो। अच्छा ABB फाइल जो है वो भी काइंड ऑफ APK के साथ में ABB फाइल भी हमें समटाइम ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टोर्स कहते हैं मुझे दोनों फाइलें चाहिए हमें, सही है, इस तरह का होता है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक एसेट लिंक्स है। अब एसेट लिंक जो है ना, वो PWA स्पेसिफिक चीज़ है। अब इसको समझोगे कि ये क्या है। readme.html खोला हमने, readme.html क्या होता है कि इसको भाई रीड कर लें आप, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इसको डबल क्लिक किया मैंने, तो इसने वही वाला पेज खोल दिया जो डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, जो मैंने इधर खोला हुआ था ना, सही है, सेम वही पेज खोल दिया उन्होंने। तो वेल मैं इधर ही readme के पेज पे ही आ जाता हूँ, जो इन्होंने दिया है तो बना के हम वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे इसने बोला भाई इधर लिंक जनरेट करो, इस पे क्लिक करो, जिप डाउनलोड हो जाएगा, और जिप डाउनलोड होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या है, पब्लिश करने का जो प्रोसीजर है हमारा, उससे पहले कह रहा है assetlink.json को ना आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। और assetlink.json को आपने इस तरह से रखना है अपने पास कि जब मैं आपकी ऐप का पूरा URL लिखूं, हमारे केस में pwexample.cyclic.app /well-known/assetlink.json, अगर मैं ये वाली बात लिखूं ना, तो आपका पूरा का पूरा वो json फाइल आ जानी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं इस नाम का एक फोल्डर बनाऊँगा अपने पास, सही है, रूट पे कहाँ गया मेरी ऐप, ठीक है, मैं रूट के ऊपर ऐसे डॉट वेल नोन का एक फोल्डर बनाऊंगा, राइट okay. और उसके अंदर ये जो एसेट लिंक है ना, ये जाके रख दूंगा। अच्छा ये चीज़ याद रखें कि एसेट लिंक हर दफ़ा जब आप जनरेट करेंगे ना, तो एसेट लिंक अलग अलग आ सकता है, ठीक है। ये असल में हैश होता है, हैश हम थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने शायद पहले, क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा हैश क्या चीज़ होती है वो मैंने रिसेंटली एक क्लास में पढ़ाया था, तो उसकी वीडियो होगी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि हैश क्या चीज़ होती है, तो वो जाके उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये असल में हैश होता है इस फाइल का। तो अगर ये मेरी APK फाइल में एक बिट भी चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रख दिया तो वो हो गया, जब जब आप नई APK जनरेट करेंगे और अपडेट करेंगे अपनी ऐप को, तो जब जब आपने ये एसेट लिंक को भी अपडेट करना है। अच्छा तो इससे होगा क्या, ये असल में ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई आपकी ऐप ऑथेंटिक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका भाई URL तो सबको पता है, URL जो है मेरी ऐप का वो तो तुमको पता है, तुम लिखोगे क्लिक करोगे APK तुम्हारे पास भी आ जाएगा, लेकिन वो APK खुलेगा नहीं सही तरह। वो APK जब कोई बंदा इंस्टॉल करके खोलेगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो गूगल क्रोम की स्क्रीन खुल जाएगी असल में, सही है, ऐप की तरह नहीं खुलेगा वो, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होगा कि जब जब वो लोड होती है APK फाइल, तो वो इस एसेट लिंक से ना ये उठाती है, अगर ये उसको मिल जाता है ना, तो ये समझ जाती है कि वो आपने ही क्रिएट किया है,
और आपका ही वो मतलब APK फाइल है। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, और यहाँ रख के मैंने क्या लगा दिया, मैंने कहा वेल नॉन फाइल एडेड एसेट लिंक या वन लिंक जो भी है, इसको मैंने पुश कर दिया। तो ये पुश हो गया, तो इसके बाद ये चेक कैसे होगा, इसके बाद ये चेक कैसे होगा कि मैं करूँगा लोकल होस्ट 5001, क्योंकि मेरी लोकल 5001 पे चल रही है ये ऐप, स्लैश डॉट वेल नोन स्लैश एसेट डैश लिंक्स डॉट जेसन एंटर। अरे नहीं पता, एसेट लिंक की स्पेलिंग गलत लगाई है, सही है, एसेट लिंक लोकल पे मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डिप्लॉय होने के बाद भी ये आएगा। तो ये हो गया जी हमारा। अच्छा, तो अब ये जो APK फाइल है ना, ये मैं अभी किस में इंस्टॉल करके दिखाऊँ आपको, मेरे पास इम्यूलेटर है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर कोई इम्यूलेटर मेरे पास खुल जाता है तो मैं वो आपको चला के दिखाता हूँ उस पर। ओके, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, ये वर्चुअल डिवाइस है जिसको मैंने प्ले कर दिया। अरे मैं इंस्टॉल भी तो इसमें चला के दिखा सकता था, मैं अपने फ़ोन में क्यों दिखा रहा था, है ना। ठीक है, ये गूगल पिक्सल का एक एमुलेटर है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ आता है, होपफुली ये चल जाए आज की ज़िंदगी में, तो हम इस पर चला के देख सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, तो सबसे पहले उस पर गूगल क्रोम पे वो वाली लिंक खोलूँ मैं अपना वाला, कि इंस्टॉल का प्रॉम्प्ट मैं दिख जाए ताकि कैसा होता है ना, खुल जा सैमसंग। नहीं भाई, इसने तो बोला है मैं नहीं खुलूंगा आज। इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, इसमें शायद असल में ये एंड्रॉयड फ़ोन है ना, अभी अभी ऑन हुआ है ये, तो अभी इसको होश संभालते संभालते थोड़ा टाइम लगेगा, जो पीछे बहुत सारी चीज़ें अभी चेक कर रहा होता है, चला रहा होता है, क्योंकि हमारी जेब में जो पड़ा होता है वो तो ऑन होता है, ये अभी अभी ऑन हुआ है। हाँ, ये अभी नया नया है, बिल्कुल खुल ही नहीं रहा भाई ये तो। बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है यार ये तो। बहुत टाइम लगा रहा है। खुला भाई खुला, मैंने कहा भाई PWA example डॉट एंटर। भाई यार ये अभी इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा, अब ये कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू है शायद इसके। सेटिंग कहाँ से है इसका इंटरनेट, ये सेल्युलर ग्रेड स्ट्रेंथ ग्रेड, फुल
ये क्या मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा तो फिर ये इफेक्ट आएगा इसका या खुद ही आ जाएगा? सब कुछ आज ही हो रहा है। एक मिनट, मैं एक नई वर्चुअल डिवाइस बनाऊं जरा। अगर तो क्या वर्चुअल डिवाइस बनाते हुए मुझे इंटरनेट बताना होता है कि कौन सा वाला देना होगा मुझे? क्रिएट अ डिवाइस, दिस दिस दिस, सही है, नेक्स्ट। बस ये तो पूछ ही नहीं रहा इंटरनेट का। भाई इसमें तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। ऐप की सेटिंग में कहाँ पे सेटिंग में जाके? इसमें ऊपर मोबाइल की तरह ही होता है, इसमें मोबाइल में सेटिंग में जाए। अच्छा, सेटिंग में जाऊंगा मैं। और ये ना वाईफाई, यार यहाँ से वाईफाई कनेक्टेड आ रहा है इसमें। यहाँ से जो है ना ये इंटरनेट, ये वाला। अच्छा, यहाँ से वाईफाई ऑन करूँगा मैं। यहाँ से वाईफाई ऑन किया मैंने। अब जो मेरा स्टूडेंट वन वाला, अबे यही तो कनेक्टेड है, ये कह रहा है नो वाईफाई, तो बहुत अजीब सी बात कर रहा है ये। हैज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, यही अजीब सी बात है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि इसमें इंटरनेट जो है ना, अगर मेरे पीसी में इंटरनेट चल रहा है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है वो। अच्छा, सिम में टी मोबाइल है और कह रहा है कि इतना डेटा इसका यूज़ हुआ हुआ है पहले। नेटवर्क प्रेफर्ड टाइप LTE। अबे भाई, ये तो क्रैश भी हो रहा है साथ साथ। नेटवर्क टाइप यहाँ पे कहाँ पे आया था? सिम में आया था इंटरनेट, और ये सिम वाले में आया था। सही है, रोमिंग ऑफ कर दिया मैंने, मोबाइल डेटा ऑन है। डेटा लिमिट एंड वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बैक Allow 2G, cancel। Automatic select the network। अब ये बिला वजह 3G पे आ रहा है, हालांकि मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ है। अगर मैं मोबाइल डेटा को बंद करता हूँ और दोबारा से इसको ऑन करता हूँ तो ये 3G पे है बिला वजह। ये कोई प्रॉब्लम है यार इसके अंदर, इसको मैं काम करता हूँ बंद करके दोबारा से बोलता हूँ। इमुलेटर को ना मैंने बंद किया और बंद करके मैं दोबारा से खोलता हूँ, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है। इंटरनेट इसमें पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार।
नो इंटरनेट। यहाँ पे मैं ज़रा गूगल कर लेता हूँ इसको, माई एंड्रॉयड इम्यूलेटर नो इंटरनेट। हाँ, ये किसी ने सवाल पूछा है कि भाई ये मसला आ रहा है, क्या सीन है ये। None of the answer worked for me in M1 Mac. It is not even able to connect the local host for the React Native. The trick was to turn off the cellular T-Mobile, then it would use Wi-Fi and everything works fine. अरे ये क्या बकवास है, ये कह रहा है कि भाई आप जाके ना सिम वाले को बंद कर दो। सिम वाले को बंद कर दिया हमने, सही हो गया। और अभी सिम वाले का क्या बंद किया इसने, ये नेटवर्क बंद किया। और अभी इंटरनेट से कनेक्ट होके सही चलेगा ये, इनके हिसाब से तो सही चलना चाहिए। नहीं भाई, सारे सीन ऑफ हैं इसके। अगर मैं इसको एयरप्लेन पे डालूं थोड़ी देर के लिए, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, किसी और ने भी कोई बेहतर आंसर दिया है। आई ट्राइड पर्ज ऑल एंड्रॉयड स्टूडियो री इंस्टॉल विद द DNS सर्वर दिस। गो ओपन द AVD डिवाइस, क्लिक वाइप डेटा। अच्छा, ये भी एक लोगों ने ट्रिक बताया है कि वाइप करके देख लें आप डेटा को, सही हो गया। अब दोस्तों वाइप करते हैं फिर हम इसको, बस थोड़ा सा भी टाइम तो लगेगा इसमें। फिर हमें वाइप डेटा, यस एंड नाउ प्ले। वाइप डेटा करके किसी ने कहा कि वो चल पड़ेगा। अच्छा, तो वेल हमारा ये एंड्रॉयड वाला जो काम था ना वो यहाँ तक हो चुका है, सही है। एंड्रॉयड में मजीद हमें कुछ और नहीं करना। नहीं, वो कुछ भी नहीं आएगा। APK इंस्टॉल करोगे सीधा इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे आपके पास। हाँ, सॉरी, APK तो तुम भी जनरेट करोगे, अभी तो चेंज नहीं किया ना मैंने कोई, तो आपके पास भी आ जाएगा। ये वाला लिंक लिखो, APK जनरेट करो, अपने फ़ोन में ही कर लो, फ़ोन में भी हो जाएगा ये। हाँ, प्ले स्टोर पे नहीं डालूंगा ना, प्ले स्टोर पे तो उसके लिए अकाउंट चाहिए होता है, वो हम कवर नहीं कर रहे। ये जो आपके पास आ गया ना डाउनलोड होके, जो ये पार्ट आया ये वाला, ये जो डाउनलोड्स में हमारे पास ये आया ना अभी दराज की, ये जो ये फाइलें आई हैं, ये फाइलें इनफ हैं आपके पास स्टोर पे इसको पब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब फाइनली अगर इसमें इंटरनेट चल जाता है तो बस सही है, वरना फिर हम मूव ऑन करते हैं। मैं चल जा भाई आज की ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, जब आप प्ले स्टोर पे जब आप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, डेवलपर अकाउंट, $25 का अकाउंट होता है वो आप बनाएंगे, वहाँ पे एक न्यू ऐप आप ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे। इंटरनेट भाई इस पर नहीं चल रहा, एक दफ़ा इस पर वो वाली ट्रिक हम करके देख लेते हैं कि ये सिम बंद कर दें, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा, और सिर्फ वाईफाई पे करके देखते हैं। अभी भी नहीं चल रहा आई थिंक ये। पब्लिश उसके बाद हो सकती है ये ऐप, ठीक है। वेल वो नहीं चल रहा तो हम उसको बंद कर देते हैं, सही है। एंड्रॉयड का ना इमुलेटर चल रहा है ना एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे पास। अच्छा, अभी दूसरा पैकेज हमारे पास है iOS के स्टोर का पैकेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बाकी ये सारे वैसे ही हैं। मतलब ये नीचे जो मेटा क्वेस्ट है ना, ये वाला और विंडोज़ ऐप, ये सब का आपको डायरेक्ट APK फाइल देता है वो। iOS का थोड़ा सा अलग है, वो भी देख लो। ये नाम पूछा इसने, फुल नेम पूछा, URL पूछा इसने, और डाउनलोड पैकेज का मैंने बटन दबा दिया। अब इसका जो पैकेज डाउनलोड होगा ना, वो एक्चुअली क्या होगा, वो IPA फाइल नहीं होगी। क्योंकि एक तो नंबर एक प्रॉब्लम ये है आईफोन में कि आपके पास अगर IPA फाइल है ना, तो आप वो डायरेक्ट किसी फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। IPA फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, वो बोलेगा अननोन, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। अच्छा, अगर फ़ोन आपका जेल ब्रेक है तब तो हो जाता है। जेल ब्रेक ये होता है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हटा के ना आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, यानी थर्ड पार्टी रोम आप इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसमें फिर एक तो वो सही चलता नहीं है पहली बार। जेल ब्रेक ना, जाहिर है एप्पल ने खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और एक थर्ड पार्टी किसी ने घर पर तैयार किया, तो वो दो अलग अलग बातें हैं।
तो वो कभी भी सही नहीं चलता, वो बहुत क्रैश हो के चलता है। तो उसके ऊपर वो इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में उसका फॉर्मेट IPA ही है। डेवलपमेंट करते हुए हम भी जब अंदर जाके देखते हैं तो IPA फाइल होती है, लेकिन डायरेक्ट इंस्टॉल आप नहीं कर सकते उसको। अच्छा, उसको अब मिसाल के तौर पर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं अपने पड़ोसी डेवलपर को कैसे टेस्ट करने के लिए दूंगा? तो उसमें ये होता है कि आप जब जहाँ पे इनका एक्स कोड एडिटर होता है, जिस पे कि ऐप जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो, इस तरह इनका एक्स कोड एडिटर है। तो एक्स कोड एडिटर पे जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं, तो एक्स कोड आपके एप्पल डेवलपर अकाउंट से कनेक्टेड होता है, उसमें आपने लॉगिन किया हुआ होता है एक्स कोड में। ठीक है, अच्छा, एप्पल का जो डेवलपर अकाउंट है वो $100 है, और वो $100 हमेशा वाला नहीं है। जैसे प्ले स्टोर में तो ये $25 एक बार बना लिया ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है, लेकिन इसमें आपको सालाना $100 पे करने पड़ते हैं, $99 टू बी मोर एक्यूरेट, $99 सालाना होते हैं, और तो आपकी ऐप उसमें चलती रहती है। अच्छा, तो आपके पास वो अकाउंट होता है, फिर आप क्या करते हैं, जैसे मैं ऐप बना रहा हूँ, मैंने आप में से किसी को देना है टेस्ट करने के लिए, तो एक टेस्ट फ्लाइट नाम की इनकी चीज़ होती है, मैं उस पर टेस्ट फ्लाइट इनेबल करता हूँ, तो आपके पास वो टेस्ट फ्लाइट की एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आपको वो शो हो रही होती है। यानी वो एक इनका अपना एक इकोसिस्टम है जिसके ज़रिए मैं आपको देता हूँ, और वो भी टेस्ट फ्लाइट हमेशा के लिए नहीं होता, वो टेस्ट फ्लाइट 90 दिन का होता है, आई थिंक 90 दिन बाद वो आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी वो ऐप। ठीक है, तो मतलब एक इनका प्रॉपर एक चैनल है जिसके ज़रिए डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं IPA फाइल डायरेक्ट आपको दूँ और आपके पास इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो स्टिल लोग जुगाड़ से कर लेते हैं इंस्टॉल, लेकिन प्रॉपर तरीका ये नहीं है। अच्छा, तो इसने हमें क्या दिया है वो ज़रा देख लेते हैं। डाउनलोड के फोल्डर में मैं गया, और जो अभी मेरे पास डाउनलोड हो गया ना, ये Daraz1.zip, सही है, Daraz1 अभी जो डाउनलोड हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करके जब ओपन करता हूँ तो मेरे पास ना यहाँ पे क्या चीज़ आ चुकी है, एक SRC है और एक nextstep.html। अब ये SRC को अगर आप देखेंगे ना, तो ये एक्स कोड का पूरा प्रोजेक्ट है, सही है, यानी ये आईफोन का एक पूरा प्रोजेक्ट है जो कि किस में खुलेगा, एक्स कोड एडिटर में खुलेगा, और वहाँ पे से मैं इसको बिल्ड करूँगा, बकायदा बिल्ड करना पड़ेगा मुझे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो बिल्ड करूँगा तो मुझे वहीं पे वो फिर, यानी आप समझ लेंगे मैं उस इकोसिस्टम के अंदर आ जाऊँगा, बिल्ड करूँगा वहाँ पे वो IPA क्रिएट हो जाएगी, अब मैं उसको डेवलपर्स को दूँ टेस्ट करने। अच्छा, ये पब्लिश भी वहीं से होती है, एक्स कोड एडिटर से ही स्टोर पे पब्लिश होती है, तो वहीं पे मैं खोलूँगा, बोलूँगा पब्लिश है, वो सारी चीज़ें पूछेगा, पब्लिश का बटन दबाऊँगा, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, रिव्यू पे चली जाएगी। अच्छा, तो ये अब ये बता रहा है मुझे कि ये जो इसको ओपन कैसे करना है एक्स कोड पे, तो nextstep.html पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है कि भाई इसको करना कैसे। इसने बोला भाई पहले तो आप अनजिप करोगे, SRC के फोल्डर में जाओगे और आप रन करोगे पॉड इंस्टॉल। अब ये पॉड इंस्टॉल क्या चीज़ है, आपके पास जो जैसे NPM होता है ना, पैकेज मैनेजर होता है, इसी तरह पॉड जो है वो क्या है, पैकेज मैनेजर है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी खोलता हूँ, मतलब इसके अंदर मैंने टर्मिनल खोला है SRC के अंदर, ये वो कौन सा SRC है जो अभी अभी डाउनलोड हुआ है। इसमें जाके मैंने क्या करना है, LS करूँगा मैं, ये सारी फाइलें हैं इसके अंदर, और इसमें मैंने करना है पॉड इंस्टॉल। अच्छा, ये पॉड कोकोआ पॉड नाम है इसका पूरा नाम, सही है, तो पॉड इंस्टॉल मैंने इसमें चला दिया, ये चल गया। अच्छा, ये पॉड जो है ना, कोकोआ पॉड, ये पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, ये आपने इंस्टॉल करना होता है, सही है। तो ये हम ज़रा देख लेते हैं कि ये कोकोआ पॉड इंस्टॉल कैसे होता है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, कह रहे हैं भाई अगर आप पॉड इंस्टॉल आपके पास एरर आए ना, तो आपको क्या करना है, ब्रू इंस्टॉल कोकोआ पॉड करके, कोकोआ पॉड को पहले इंस्टॉल करना है आपने अपने पास। ठीक है, कोकोआ पॉड जो है वो क्या है, एक पैकेज मैनेजर है NPM की तरह। अच्छा, हम NPM कैसे करते हैं इंस्टॉल, वो तो Node.js के साथ खुद ही हो जाता है। ठीक है, तो कोकोआ पॉड भी समटाइम खुद भी हो जाता है कुछ दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन अगर नहीं है तो आपने वो इंस्टॉल करना है। अच्छा, फिर ये ब्रू क्या चीज़ है, क्योंकि ब्रू के ज़रिए इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ब्रू एक और पैकेज मैनेजर है जिसमें आपके पास जो मैक की जितनी भी ऐप्स होती हैं वो आप ब्रू के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रू एक पैकेज, अच्छा लिनक्स में ये बहुत आम बात है कि आप चीज़ें पैकेज मैनेजर के ज़रिए इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, विंडोज़ में ये थोड़ा सा वियर्ड है कि यार ये पैकेज मैनेजर के ज़रिए क्यों हो रहा है। विंडोज़ में तो ये होता है, आप वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक्जी डाउनलोड होती है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल होता है। ठीक है, लिनक्स में और मैक में ये चीज़ बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, वो भी विंडोज़ की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है, वरना उनका इरादा नहीं था ये करने का कि भाई डबल क्लिक से इंस्टॉल होता है। तो वेल, तो आपके पास ना ये ब्रू भी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, कह रहा है होम ब्रू इंस्टॉल करने का तरीका, क्लिक हेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होम ब्रू कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, होम ब्रू इंस्टॉल करने के लिए भी ना कमांड्स हैं, यहाँ पे इसने कमांड बताई भी है, ये वाली कमांड है।
नहीं बहरहाल पता नहीं मैंने भी कैसे इंस्टॉल की थी, मैं भी भूल गई हूँ अभी। वेल ये एक दफ़ा ही इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ये चलता रहता है। फिर तो रिक्वायरमेंट यहाँ लिखी है इसने, ये गेट माइनर्स लिखे हैं पता नहीं इसने कोई। हाँ सही, इंस्टॉल डॉट एस एच है ना, तो ये है कमांड इंस्टॉल करने की। बस आपने ये कमांड कॉपी करनी है और कॉपी करके आपने क्या करना है, एंटर कर देना है किसी भी जगह पर, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। ये एस एच असल में क्या चीज़ होती है, टर्मिनल की फाइल होती है। एस एच जो फाइल होती है उसमें टर्मिनल में लिखने वाला जो कोड है ना वो सारा लिखा हुआ होता है। तो आप करते क्या है असल में, जो 10-12 लाइनें होती है ना, अलग अलग कमांड चलानी होती है, वो सब एक ही दफ़ा लिख के इसमें कर दिया उन्होंने। जब आप इस रन करोगे उसको तो वो सारी कमांड ऑटोमेटिक चल जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगा वो। वेल तो ये कोकोआ पॉड होम ब्रू इंस्टॉल हो गया, होम ब्रू इंस्टॉल हुआ तो उससे कोकोआ पॉड इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद आपने यहाँ पे चला दिया पॉड इंस्टॉल। पॉड इंस्टॉल क्या करेगा एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक फाइल है जिसको हम कहते हैं पॉड फाइल। इसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं इसकी, जैसे हमारे Node.js की ऐप में पैकेज डॉट जेसन होता है, उसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो इसमें पॉड फाइल के अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेता है। अच्छा, वो जैसे ही इंस्टॉल हो जाती हैं सारी डिपेंडेंसीज, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऐप को रन कर सकता हूँ। इसने कहा भाई ओपन करो, आप क्या करो डॉट एक्स सी वर्क स्पेस, एक्स सी मतलब एक्स कोड वर्क स्पेस, इसको आपने जो है ना क्या करना है, ओपन करना है डबल क्लिक करके। रोकता हूँ उसको, ठीक है। ये एक्स सी वर्क स्पेस कहाँ है मेरा, ये रहा, सही है, ये मेरे पास एक्स सी वर्क स्पेस है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, ये ऐप ओपन हो जाएगी एक्स को एक्स कोड के एडिटर के अंदर। एक्स कोड के एडिटर में जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाती है, दराज इज़ अ वर्क स्पेस डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट ट्रस्ट एंड ओपन, यस ठीक है। वो कह रहा है भाई इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, तो अब क्या करना है उसका। ये मेरी यार ऐप ओपन हो गई है एक्स कोड एडिटर पे। अच्छा, ये एक्स कोड एडिटर सिर्फ मैक में होता है, ये विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। तो मतलब यहाँ तक का स्टेप जो है ना, वो अभी जो अब आगे हो रहा है वो स्टेप सिर्फ मैक पे ही हो सकता है, ये विंडोज़ पे नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग मैक के ऊपर ना वर्चुअल मशीन करके इंस्टॉल कर लेते हैं मैक ओएस, तो वो हो जाता है लेकिन वो काफ़ी स्लो चलता है, ठीक है। उसको वो हैकिंटॉश कहते हैं या वर्चुअल मशीन करके कुछ कहते हैं। तो अगर आपने ये बिल्कुल ज़रूरी करना है और आपके पास मैक नहीं है, तो आप इसको वर्चुअल डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि वर्चुअल मशीन पे सीधे तरीके से इंस्टॉल नहीं होता ये, इसके बकायदा आर्टिकल्स लिखे हुए हैं लोगों ने, तो उस तरीके से इंस्टॉल करना होता है। और वो मतलब 20-25 GB का एक तो इनका ISO है, पहले वो आप डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करके फिर उसको आप चलाते हैं, तो उसका बकायदा एक तरीका है, उसके ज़रिए होता है, सीधे तरीके से नहीं होता, कहीं आपको लगे कि मतलब ये नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो अच्छा, वो चलता भी बहुत स्लो है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है उसके साथ। तो ये मेरे पास कुछ फाइलें खुल गई हैं, इन फाइलों को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इन फाइलों में मैंने कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ये तमाम फाइलें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पॉड्स हैं, अच्छा पॉड्स नॉट मॉड्यूल का फोल्डर होता है हमारे पास, तो ये इसके अंदर पॉड्स होते हैं। ये जो पॉड्स वाला है ना, ये अभी बना है, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पे बिल्ड का बटन दबा देना है। अभी यहाँ पे इसने ये भी बताया हुआ एग्जैक्टली, कह रहा है प्रोडक्ट के अंदर जाओ और बिल्ड के अंदर बिल्ड का बटन दबा दो जाके। प्रोडक्ट के अंदर गए आप और यहाँ पे बिल्ड का एक बटन है, ये आपने प्रेस किया तो ये क्या कर देगा, इसको बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू करेगा ये। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है अभी, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद मैं एक फ़ोन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं तो मैं एक फ़ोन सेलेक्ट करूँगा, आईफोन 14 प्रो इसमें डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और मैं प्ले का बटन दबा दूँगा, प्ले का बटन दबाते ही क्या करेगा, आईफोन 14 प्रो का एक इमुलेटर स्टार्ट करेगा और उसमें इस ऐप को रन करके मुझे दिखा देगा कि ऐसे रन होती है ये ऐप, ठीक है। ये पीछे खुल चुका है बिल्कुल, अच्छा ये इमुलेटर है, ये मेरा फ़ोन भी कनेक्ट है तार के साथ, इसमें भी मैं इसको रन कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इमुलेटर में रन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा होगा, मेरा तार से कनेक्ट वाला फ़ोन है ना, वो भी आ रहा होगा, कैसे आएगा ये, यहाँ पे ना ये वाला आ रहा है। अच्छा, ये फ़ोन अनलॉक करूँगा ना तो ये अवेलेबल हो जाएगा शायद, अभी अनअवेलेबल बोल रहा है, पता नहीं क्यों अनअवेलेबल बोल रहा है,
इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ अगर मैं तो फेल टू प्रिपेयर डिवाइस फॉर डेवलपमेंट, मेरे ख्याल है डिवाइस के अंदर ना कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। खैर छोड़ो, अभी तो इमुलेटर पे ही हम रन कर लें इसको, टाइम हो गया है। तो ये मेरे पास ना ये ऐप है जो इसमें चल गई है। इधर इस ऐप को मैं नॉर्मली जैसे खोलते हैं उसी तरह से मैं उसको खोल सकता हूँ, और बाकायदा लोडर चला के इसको ये ओपन कर रहा है। और इसमें अगर मैं कोई डेटा ऐड करूँ तो डेटा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यार, सर्वर स्लो आ रहा है। और ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सेव तो लिखा हुआ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में हमारे पास डेटा फील्ड्स काफ़ी सारी ऐड हो गई हैं उसमें, तो मे बी वो इस वजह से हो रहा हो। ये क्या सीन है यार, एक आ रहा है जो अभी ऐड कर रहा था सर वो आ गया। इधर खोल के देख लेते हैं ना, pwabuilder.com। ओ मैं क्या बोल रहा हूँ, pwaexample.com। इधर तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इधर। असल में इसमें डेटा बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है, मसला ये है। मैंने जो ऐड किया वो नहीं है, ये आ गया ना। अच्छा वो डिलीट हो गया एक्चुअली, किसी ने डिलीट विलीट किया है, हैं ऐसा है क्या? प्रोडक्ट्स प्रीव्यू, हाँ यार एक ही आ रहा है सर, ऑल प्रोडक्ट में एक ही आ रहा है सर, ये किसी ने डिलीट कर दिया आपने सर। वो डिलीट ऐसे हो सकता है क्योंकि वो हाँ नहीं नहीं सर्वर नहीं रिस्टार्ट हुआ है, नहीं नहीं वो मेरा डेटाबेस असल में पासवर्ड उसमें वो है ना ओपन है उसका, तो वो किसी ने यहाँ पे से शायद खोला हुआ है या किसी ने घर में बैठ के उसको खोला हुआ है, तो वो इस वजह से हो रहा है। ठीक है अभी मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा, कोई भी नाम लिखता हूँ, बल्कि मैं ए करके लिखता हूँ, तो क्योंकि वो ओपन है ना तो वो कोई भी उस पर डिलीट कर सकता है जाके, ये सीन है। एड प्रोडक्ट, सही है, प्रोडक्ट इज सेव्ड, ये क्या सीन है यार? नहीं वो लेट नहीं आ रहा है, वो वही वाला चक्कर हो रहा है, PWS है ना केशे से ला रहा है। अभी मैं खोलूँगा तो दूसरा भी आ जाएगा, ये देखो सारे आ गए। वो असल में मुझे यहाँ पे एक शायद बटन भी बनाना चाहिए, रीलोड का बटन बनाना चाहिए, तो उससे हो जाएगा। या मे बी वो मोबाइल फ़ोन पे आने के बाद ना वो सही काम नहीं कर रहा, वो जो हमने केशे हेडर लगा के भेजा है ना वो सही शायद काम नहीं कर रहा। तो वेल तो हमारे पास ये खुल चुका है इधर। अब यहाँ पर खुलने के बाद ना इधर पब्लिश का जो ऑप्शन है वो एक्स कोड में ही है, पब्लिश का ऑप्शन। और वो कैसे होता है भाई, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा, सही है। पब्लिशिंग का जो ऑप्शन है वो क्या करोगे आप, साइन इन करोगे पहले, सही है, क्रिएट सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट CRS ये सब करोगे आप, और उसके बाद एप्पल डेवलपर अकाउंट में आप लॉगिन करोगे, क्रिएट बंडल ID, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस पूरा आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट अ सर्टिफिकेट, लंबा चक्कर है थोड़ा। और उसके बाद आप प्रोविजनिंग प्रोफाइल एक क्रिएट करोगे, सही है, इसको P2 प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद आप करोगे क्रिएट योर ऐप रिजर्वेशन, आप पहले स्टोर पे जाके आप बताओगे कि इस नाम से मैंने ऐप पब्लिश करनी है, वो नाम रिजर्व हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अपलोड योर ऐप पैकेज, ठीक है। अपलोड योर ऐप पैकेज कैसे होगा, एक्स कोड के आप मेन्यू पे क्लिक करोगे, प्रेफरेंस पे जाओगे, नेविगेट टू अकाउंट्स पे जाओगे, सी एप्पल डेवलपर एंड क्लिक, ऐसे करके होगा ये। मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्स कोड में, और किस में क्या बोला था इसने, कहाँ पे बोला था इसने, एक्स कोड में जाओगे और प्रेफरेंस में जाओगे आप। प्रेफरेंस तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेटिंग आ रही है, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद इसने कहा अकाउंट्स पे जाओगे आप, और अकाउंट में जाके अपना अकाउंट ऐड करोगे। तो मेरा अकाउंट तो पहले से ऐड है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा मेरा अकाउंट ऐड है, लेकिन मेरे पास क्या है वो नहीं है, उसका डेवलपर का वो नहीं है। अच्छा फिर कह रहा है अगला काम करोगे, प्रोजेक्ट नेविगेटर में जाओगे आप, और योर एप्लीकेशन में बिल्ड सेटिंग में आप जाओगे अंदर, सही है, प्रोजेक्ट नेविगेटर। असल में चीज़ें जो है ना, जब जब से वो आर्टिकल लिखा गया, जाहिर है ये अपडेट हुआ है कई दफ़ा,
तो थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज हो जाएगी, चेंज हो सकती हैं। प्रोजेक्ट नेविगेटर बिल्ड सेटिंग, बिल्ड सेटिंग में अलग से लिख लेता हूँ यहाँ, बिल्ड सेटिंग, बिल्ड सेटिंग, बिल्ड फॉर रनिंग, बिल्ड फॉर टेस्टिंग, बिल्ड फॉर प्रोफाइलिंग। करने क्या कह रहा है, सेटिंग में जाके आगे क्या कह रहा है। स्क्रॉल डाउन टू साइनिंग, कोड साइनिंग आइडेंटिटी, एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस दिस दिस। अभी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई, अभी ये हम कर नहीं सकते क्योंकि इसको करने का बेनिफिट कोई नहीं है, मेरे पास अकाउंट नहीं है, उसको पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आपको करना पड़े और अकाउंट आपके पास हो तो आपने ये प्रोसेस करना है, और आप क्या करेंगे, इस तरह अपने ऐप को आईफोन के ऐप स्टोर पे पब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको इमुलेटर पे चला के देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि इमुलेटर पे जब ये चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी वाली API लेकर आ रहा है तो ये नई वाली नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, रिफ्रेश का बटन बटन है, तो आपको वो सब कुछ इमुलेटर पे पता चल जाएगा। एग्जैक्टली जैसा इमुलेटर पे वो चल रहा है ना, वो पब्लिश होने के बाद भी वैसा ही चलेगा। ठीक है, iOS में तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसमें क्योंकि इनके पास लिमिटेड फ़ोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं होते, और तकरीबन 90% फ़ोन इनके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते हैं, पुराने वाले को सपोर्ट ये देते नहीं है। ठीक है, पुराने वर्जन को बोलते हैं बस ठीक हो गया, ख़त्म हो गया वो, सही, नए वाले को देते हैं। एंड्रॉयड की तरह इसमें डिफरेंट स्क्रीन साइजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 स्क्रीन साइजेस हैं, उसी पे सारी कहानी चलती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इमुलेटर आपको जितनी भी डिवाइसेज आज तक बनी है ना एप्पल की, उस सबका इमुलेटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो आप किसी पे भी क्लिक करोगे वो खुद ही डाउनलोड होगा, खुद ही रन करेगा, और ये वाले मसले उसके अंदर नहीं है जो हमारे पास अभी एंड्रॉयड के इमुलेटर पे आ रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है और काफ़ी है, इन्होंने टू दी पॉइंट रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहीं तक हम रखते हैं आज की क्लास को, और कोशिश कीजिएगा आप लोग कि ये PWA वाला काम ना खुद से आप कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।